नमस्कार अर्पण जी, नमस्कार अर्पण जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका और जन सुलभ पुस्तकालय का सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए और मेरे मित्रों को इस अर्थ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं उनसे आपके माध्यम से जुड़ पाऊँगा। जो मित्र मुझे सुन रहे हैं, जन सुलभ पुस्तकालय के इस पेज पर हैं, उन सब के प्रति मैं आदर प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत मेरे लिए एक सुखद संयोग है। यद्यपि मैं काफ़ी पहले जब आपने कहा था तो डरा हुआ था, लेकिन अब डर कम है, हिचक अधिक है, और आप सबकी आत्मीयता से मैं जानता हूँ मुझे संबल मिलेगा और मैं आपकी अपेक्षा के अनुरूप कुछ कोशिश करूँगा अपने मित्रों को, आप सबको कुछ कविताएँ सुनाने की। और आपने कहा था कि कविता की प्रक्रिया पर अपने लेखन को लेकर, अपने कुछ काव्य जगत में आने को लेकर मैं कुछ कहूँ। सबसे पहले पुनः मैं सब मित्रों को धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसमें जिन मित्रों के नाम दिख जाएंगे उनके प्रति मैं धन्यवाद कहना ही चाहूँगा, लेकिन चूँकि तकनीक में मैं उतना इजी नहीं फील करता हूँ और ना भी कर रहा हूँ, तो जो चूक हो जाए वो मेरी सचमुच में चूक मानी जाए। मैं किसी के प्रति अदेखा या कहना चाहिए कि उनके प्रति मन में सम्मान नहीं है, ऐसा भाव मेरा नहीं है। बहरहाल मैं आपके कहे अनुसार जिस तरह से मेरा जीवन है, जिस परिवार से मैं आता हूँ, जिस वातावरण से आता हूँ, जिस परिवेश से आता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर कविता की दुनिया में कविता की नागरिकता को लेकर भी मैं कुछ कह सकूँ, ये मेरी कोशिश होगी। दरअसल मैं एक बहुत छोटे से परिवार से हूँ। यद्यपि परिवार तो विपुल है, बड़ा है, लेकिन जिस अर्थ में एक समृद्धिशाली या वैभवपूर्ण परिवार हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे हैं और उससे बहुत सारे लेखक आते हैं, उससे मैं नहीं आता हूँ। एक छोटे से परिवार से आता हूँ और काफ़ी संयुक्त परिवार का जो वातावरण है, संयुक्त परिवार रहा हमारा। अब तो सब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन कभी साल में 6 महीने में हम लोग इकट्ठे होते हैं और संयुक्त परिवार को लेकर जो एक आपसी मेलजोल का भाव होता है, उसका सुख मुझे भी मिलता है, मेरे पत्नी बच्चों को भी मिलता है। गांव का नाम मेरे गौरी है, रीवा मध्य प्रदेश में गौरी गांव है, सुखलांडी टोला है। लिखने पढ़ने के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत स्कूल के दिनों में जो प्रतियोगिताएँ होती हैं उसमें कुछ भाग लिया, और कॉलेज में तो हमारे घर से दूर था और वहाँ इस तरह का वातावरण भी नहीं था कि बहुत सांस्कृतिक वातावरण हो, साहित्यिक वातावरण हो, तो ऐसा सुयोग मेरे जीवन में न बन सका। अब जो लगातार हम लोग कविता में कविता के भूगोल की परिवेश की बात करते हैं, तो उसमें इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं इस अवसर पर विशेष तौर पर अपने पिता को याद करना चाहता हूँ, जिनका दिया हुआ संस्कार अपने समय से, अपने वक्त से जूझने और अपने वक्त में होने का किस तरह से एक आत्मबल होना चाहिए हमारे भीतर, वह मेरे बहुत काम आया। और लगातार मुझे लगता है कि उनने जो दिया, जो सिखाया, वो सब मैं खर्च करता जा रहा हूँ और उसी से मेरा जीवन एक ठीक ही रास्ते पर आप सबकी आत्मीयता से चल भी रहा है। मैं सच्चे अर्थों में कहूँ तो एक पारंपरिक परिवार में होने की वजह से, और जो भी थोड़ा बहुत मेरे बड़े पिता थे, जो श्रीमद् भागवत
संस्कृत काव्य शास्त्र इनके सबको लेकर काफी अनुरागी व्यक्ति थे। अब यह कहना थोड़ा सा हो सकता है कुछ मित्र लोग अतिरंजित माने, लेकिन श्रीमद् गीता मैंने 6वीं कक्षा में अपने बड़े पिता की वजह से मैंने पढ़ी थी। यद्यपि श्रीमद् गीता को समझना आज भी मेरे लिए कठिन है, लेकिन उस समय जो मैं समझ सका तो पढ़ने के बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप सबके सामने। इसके साथ रामचरितमानस है, वो पढ़ने का संस्कार लगातार बड़े पिता पढ़ाते थे कि इसको उच्चारण करो, उच्चरित करो, बाँचो, जो कहते थे चलो रामचरितमानस बाँचो। उसकी वजह से कविता से जुड़ने का या काव्य आस्वाद का एक अवसर मिल पाया। माँ थी, बड़ी माँ, बड़ी माँ और माँ ने जो कुछ लोरियाँ सुनाती थी, गीत दोनों अच्छा गाती थी, तो उसका भी एक तरह से लोक कविता का वास्ता, लोक गीतों का वास्ता माँ और बड़ी माँ से आ गया। और चूँकि गांव का हूँ तो गांव में तो कोई भी काम, पहले तो अब तो नहीं है, लेकिन पिसाई, दराई, चावल जो बनाते हैं उसको कढ़ाई बोलते हैं, ये सब गीत गाते हुए ही हमारे घरों की स्त्रियां करती रही हैं, तो उसका भी असर मुझे लगता है मेरी कविताओं में है। या असर से अधिक मैं कहूँगा कि वही ऊर्जा, वही उष्मा मेरी कविताओं को भी ताकत देती है, या मेरे कवि होने को उससे संबल मिलता है। एक चीज़ और मुझे हमेशा लगती है कि जो हमारे घर में चरवाहे और हलवाहे रहे वह भी मेरे गुरु हैं, और इस अवसर पर उनको भी मैं याद करना चाहूँगा, क्योंकि उनने बहुत गीत, हल चलाते हुए, मवेशियों को चराते हुए, जो चरवाहों ने वनों की वनस्पतियों के बारे में बताया, कुछ गीतों भी गाते थे, तो उन सबको मिला जुला रूप ही कविता में मैं कहता हूँ कि मैं, मुझे मिला है और मैं कुछ कर सका हूँ। जहाँ एक तरफ जो जिन कृतियों को हम रामायण, महाभारत, गीता या श्रीमद् भागवत भी बड़े पिताजी चूँकि बचवाते थे कि बाँचो इसको, तो उसको भी बहुत सारे आख्यान, कहानियाँ उससे काव्य लय में जान सका। और कहना चाहिए कि जिस तरह से श्रीमद् भागवत को संस्कृत के श्लोक का उच्चारण कराते थे, क्योंकि हम सब लोग लोक बोली से आते हैं, तो जाहिर है हमारे लिए 300 नहीं होते, एक ही स से हम 300 का काम चलाते हैं, तो लेकिन जो लिखने में है और जो क्या हम कह सकते हैं कि जो कविता में बरतते हैं, तो उसका काफ़ी ध्यान रखना होता है और मैं रखता भी हूँ। जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ वो सब आजकल सोशल मीडिया में भी, कुछ फेसबुक में हूँ तो हमारे मित्रों के सामने हैं, कुछ पत्र पत्रिकाओं में होती रही हैं, छपती रही हैं, तो मिलती रही हैं लोगों को। 7 संग्रह प्रकाशित हुए तो मित्रों ने उसको भी पढ़ा, अनुराग दिया, स्नेह दिया, तो इस तरह से कह सकता हूँ कि कविता में होने की, कविता में कुछ काम करने की लगातार मेरे भीतर ललक है। मैं अपने मित्रों से, मेरे बहुत हम उम्र मित्र हैं, वो जानते हैं कि मैं कविता पर बहुत बात करता हूँ, और सच में मुझे लगता है कि कोई कविता पर बात करे तो मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, और यह सब मेरे काव्यानुराग की वजह से है। मैं कविता में बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि कविता में होना मुझे अपने होने की तरह लगता है। कविता में होकर मैं अपने को सचमुच में बहुत ऊर्जावान महसूस करता हूँ, और कविताओं की उष्मा ने, कविताओं की अनुगूंज, अनुरणन, स्मृति ने, ध्वनियों ने मुझे बहुत संबल भी दिया है। अब केवल मेरा नहीं, मैं जानता हूँ कि भारतीय समाज में जो निम्न मध्य वर्ग से आते हैं, जनपदों के जीवन से आते हैं, उन सबको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ख़ास तौर पर अब तो मैं भोपाल में रहता हूँ, यहाँ का जीवन है, भारत भवन में काम करता हूँ, तो वहाँ की एक अलग दुनिया है, एक तरह से जो भारत भवन की दुनिया है और जिस गाँव से मैं आया हूँ, इन सब में एक बड़ी फाँक है।
तो उस फाँक को भरने की मैंने कोशिश की, और उसका जो भी मेरी स्मृति में था, जो जीवन में था, उसको अपनी कविताओं में इस्तेमाल करने की कोशिश की कि अपने जीवन से मेरी कविताएं तस्दीक होती चलें। ये मेरी कोशिश रही है, और मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी कवि का जीवन, उसके कोई भी रचना संसार हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, यहाँ तक कि मैं जो इतर अनुशासन है, साहित्येतर अनुशासन है, चाहे चित्रकला का हो, शिल्प कला का हो, जीवन का प्रभाव तो पड़ता ही है, चाहे वो स्मृति के रूप में हो, चाहे वक्त पे जिस तरह से हम अपने समकाल में ही वावस्ता होते रहते हैं। स्मृति के भी कई संग स्तर मैं मानता हूँ। कभी कभी स्मृति जब हम लोग कहते हैं तो एक गहरी प्राचीनता का बोध होता है हमें, लेकिन आज ही देखिए कि जब मैं अपनी सुबह को याद करता हूँ तो एक तरह का स्मृति का वो अर्वाचीन रूप है, प्राचीनता के बजाय उसमें मैं कहूँगा सबसे ताज़ा उसका एक आयाम है जो हमारे सामने है। तो इस तरह से जो कविताओं में काम कर सका वो बहुत सारा बिखरा हुआ है, और जिसमें हमारे गांव के जीवन का, जनपदी जीवन का, नौकरी के जो संघर्ष हैं उसका, और जो तरह का शहरी समाज है उसके बीच होने का, जो जनपदी समाज जहाँ से आता हूँ उसके बीच होने का, सब मिला जुला करके यह मैं कविता में काम कर सका। जैसे एक संग्रह है जो जन्म से ही जीवित है पृथ्वी नाम से, तो उसमें कला अनुशासनों की कविताओं का मैंने संचयन किया। तो कोई ये नहीं है कि मैं उसमें थीमेटिक काम किया, होता रहा, भारत भवन में काम करता रहा, और बहुत सारे बड़े रचनाकारों को देखा, बहुत बड़े चित्रकारों को देखा, संगीतकारों को देखा, तो जाहिर है कि उससे प्रतिकृत हुआ। बहुत सारे ऐसे जैसे अजय को जब पहली बार देखा था कितना मुग्ध हुआ था, मुझे लगता है कि मार्च 1987 है जब अजय को देखा, तो उनको देखना बहुत अच्छा लगा। नरेश मेहता को, गिरजा कुमार माथुर को, डॉक्टर नगेंद्र को, नामवर सिंह जी को, केदारनाथ सिंह जी को, कुछ ऐसे प्रसंग भी हुए जैसे हजार प्रसाद द्विवेदी पर या श्रीकांत वर्मा जी पर, जिसमें बहुत सारे लेखक आए। बाद के दिनों में जब साहित्य में एक कवि के रूप में दाखिला हो गया, तब भी बहुत ऐसे प्रसंग हुए जैसे रेणु पर, रघुवीर सहाय जी पर, और अभी कौन नारायण जी पर। तो ऐसे इन प्रसंगों में जो लेखक आए, एक लेखक को लेकर जिस तरह से बात करते थे, उन सब का असर भी मैं कह सकता हूँ, और उससे मैं ज़्यादातर ये कहूँगा कि मैं प्रतिकृत हुआ। तो मैं बहुत सारे क्या कहना चाहिए, आवाज़ों से, ध्वनियों से, दृश्यों से, और रचनात्मक ऐसे लोगों के सानिध्य से मिलकर बन पाया कि मुझे लगता है कि ऐसा अवसर बहुत कम लेखकों को होगा। इस पे मैं किसी को कमतर कहने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि इस माध्यम से मेरी कविताओं को, मेरे काव्य संसार को जानने को थोड़ा सा आप सब लोगों को एक तरह का क्लू मिल जाएगा, एक राह जैसा है कि उन कविताओं में क्या दुनिया है, किस तरह का महाजीवन मैंने लाने की कोशिश की है। क्योंकि जहाँ भी गया, बीच बीच में जाता भी रहता हूँ, जंगलों पहाड़ों में जाने का भी बहुत ही एक तरह की बड़ी इच्छा शक्ति होती है। गांव में भी कई जगह ऐसा नहीं, शहरों में भी ये नहीं है कि चलिए जहाँ काम करता हूँ वहीं। कई बार एक तो यहाँ बहुत छोटे से मोहल्ले में रहा, कह सकता हूँ कि जो झोपड़ियों का वातावरण है वो भी बहुत नज़दीक से देखने का अवसर मिला, और अभी भी कभी कभी जाता रहता हूँ अस्पतालों में, जो यहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके जीवन को देखता हूँ, या अचानक कभी चौराहों पर भी बैठ जाता हूँ। उसमें सब तरह के लोग जाते हैं, बहुत अभिजात वर्ग भी उससे गुजरता है, गरीब और मजदूर किस्म के लोग, और जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं लोग उनको भी देखने का अवसर मिलता है। तो ये सब मिलजुल के ही काव्य संसार बना, और मेरी एक आकांक्षा भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो महाजीवन है इस पृथ्वी पर उसको अधिक से अधिक, मैं जानता हूँ कि संपूर्णता लाना तो मेरे बस का नहीं है, किसी भी कवि के लिए हो सकता है कि वेद व्यास के लिए संभव है, तुलसी के लिए संभव है, पर मेरे जैसे कवि के लिए संभव नहीं है। मैं अपनी सीमाएं भी बखूबी जानता हूँ,
तो लेकिन कोशिश है, जरूर है, एक आकांक्षा है कि मैं महाजीवन के बहुत सारे पक्ष को लाने की अपनी कविताओं में कोशिश करूं। जैसे अभी दो संग्रह आए, लंबी कविताओं का संचय है अश्क वर्णमाला नाम से, और एक संग्रह प्रेम कविताओं का है सहद लिपि नाम से। तो मुझे, जब मैं खुद हिंदी की प्रेम कविताएं पढ़ता था या पढ़ता रहा हूं, तो मुझे उसके दो तीन तरह के आयाम, दो तीन तरह के रूप मुझे दिखते हैं। तो मुझे लगा, अब जैसे देखिए कि हमारी हिंदी कविता ने उस प्रेम को नागरिकता देने में पता नहीं क्यों गुरेज की। देखिए, महानगरों में इतने सारे मजदूर रहते हैं, उनका भी तो प्रेम है। जो रेजा और राजगीर हैं, उनके भी बीच तो प्रेम पनपता है और होता है, और उसको कविता में क्यों नहीं लाना चाहिए। इतना सारा हम कहते ही हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो खेती किसानी करते हैं लोग। तो मैंने कभी ऐसे अपनी कविता में नहीं देखा कि जो खेती करते हैं युवक युवतियाँ, उनके प्रेम को भी जगह मिले। हमारी लोक कविता नहीं, महानगर से तो मैं नहीं जो रेजा राजगीर की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोक कविता ने ये काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक लोक कविताएं भी मेरे लिए, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि उत्प्रेरक हैं। तो उससे भी मैं प्रेरणा लेता हूँ। बहुत सारा संगीत सुनते हुए, लोकगीत सुनते हुए, या सुंदर कला प्रदर्शनी देखते हुए, या पारंपरिक चित्रों को देखते हुए, या नाटक देखते हुए, अच्छा सिनेमा देखते हुए, हमारी रचनाशीलता इससे ग्रहण करती है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरी कविताओं में यह सब आया है, जो जीवन को देखा है या जो रचा हुआ देखा है, उस सब को मैंने कविता में लाने की कोशिश की है। कितना सफल हुआ या असफल हुआ यह बात नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास जरूर किया है और ईमानदारी से प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आप सबने इसका नोटिस भी लिया है, और जाहिर है कि आपकी आत्मीयता से मुझे संबल मिला है। मैं सोचता हूँ, मैंने पहले सोचा था कि एक कविता से ही, काव्य प्रक्रिया नाम से है, तो उससे मैं बात रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन बात का भी अपनी खूबसूरती ये है कि वो जो सोचा गया रहता है उसका अतिक्रम भी कर देती है और बात अपनी तरह से ही शुरू हो जाती है। तो मैं एक, हमारा संग्रह है जन्म से ही जीवित है पृथ्वी नाम से, काव्य प्रक्रिया। तो मैं उसको अपने काव्य पाठ के पहले इसको मैं रखना चाहता हूँ। काव्य प्रक्रिया, कितनी पंक्तियां हैं जिन्हें संपादित करता है कवि और सोचता है कि अगली किसी कविता में इन पंक्तियों को देगा वह जगह, लेकिन वह पंक्तियां अड़ जाती हैं कहते हुए कि इसी कविता की धरती में हुआ है हमारा जन्म, इसीलिए रहेंगे इसी कविता में हम। कवि समझाता है दे देकर, कई कई तर्क देता है, अपने विशेषाधिकार का भी वास्ता, लेकिन पंक्तियां मानती नहीं कवि की बात। कवि हटाता है उन्हें अतिक्रमण की तरह नहीं, फिर लिखने के आश्वासन की तरह, लेकिन पंक्तियां अपनी जिद की डोरी पकड़ कविता में आ जाती हैं पुनः पुनः। फिर तरेरता है जब कवि आंख, पंक्तियां कविता की पृथ्वी में धरने पर बैठ जाती हैं, और आखिर में माननी ही पड़ती है कवि को पंक्तियों की बात। इतना ही नहीं, पंक्तियों के माफिक कवि को आबो हवा भी जुटानी पड़ती है। तो इस तरह से ये काव्य प्रक्रिया है। और मैं जिन मित्रों को यहाँ देख पा रहा हूँ, यद्यपि थोड़ा सा मुझे देखने में यहाँ मुश्किल हो रही है, लेकिन जिन मित्रों की कुछ नाम मेरे पढ़ने में आ रहे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सबके साथ ही होगा। ज़्यादातर हमारे लेखक मित्र हैं, वो सब जानते हैं एक रचना प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है, वो सिमिलर होती है, सबके साथ समान होती है। फिर एक लेखक कवि की अपनी तो होती ही है, इसीलिए वह एक अपनी स्वतंत्र एकता में लेखक या कवि है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा क्या बोलूँ, कविता ही कुछ सुनाया जाए। और अर्पण जी ने ये कहा था कि हमारे जो सभी सातों संग्रह हैं
उनसे कुछ कविताएं सुनाएं। यद्यपि उन्होंने जो कहा था उसका अतिक्रमण करना मैंने शुरू से ही शुरू कर दिया है, इसलिए मैं उनसे क्षमा याचना करते हुए मैं यह जो बन पा रहा है यहाँ उसी को रखना चाहता हूँ। तो अभी हमारे हाथ में एक संग्रह जो है जिसका प्रकाशन में पांचवा क्रम है जन्म से ही जीवित है पृथ्वी, जिसका मैंने उल्लेख भी किया था कला अनुशासनों का, तो उसी की कुछ कविताएं मैं आप सबके सामने रखता हूं। मैं देख रहा हूं कई मित्र कह रहे हैं जो प्रेम कविताओं का संचयन है सहज लिप सुनाएं, उस पर भी आऊंगा और आपका स्नेह होगा, आपकी आत्मीयता होगी, आपका अपनापा होगा कि जो कुछ सुना पा रहा हूँ उसको आप सुनने का कष्ट करेंगे, अनुग्रह करेंगे। ये कविता है अपना मन। गाते गाते उसने अपना मन एक गीत में रख दिया, गाते गाते उसने अपना मन एक गीत में रख दिया और भूली रही वह बहुत दिन। गाते गाते उसने अपना मन एक गीत में रख दिया और भूली रही वह बहुत दिन। अचानक उसे अपने मन की जरूरत पड़ी लेकिन बिसर गई कि कहाँ रख दिया है अपना मन। परेशान रही वह काम धंधे में खटते उलझते सुलझते, उसे अपने मीठे मन की आती रही बार बार याद। झूमती बारिश में अचानक उसके कंठ में उठा वही गीत, तब जाकर उसने गीत में पाया अपना मन। अपना मन पाने की खुशी में, अपना मन पाने की खुशी में गाया उस स्त्री ने कई कई बार वही वही गीत। तभी से स्त्रियों के बीच दर्द जीते गीतों में अपना मन रखने का चलन फैल गया है। एक कविता एक तारा शीर्षक से है, इसी संग्रह की है, तो मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। एक तारा। एक तारा फक्कड़ वाद्य है, एक तारा फक्कड़ वाद्य है, अपने एक तार पर गाता है आख्यान कविता पद और लोकगीत। सन्यासियों फकीरों को बेहद प्रिय है एक तारा, एक तारा से अधिक आंसुओं से भीगा नहीं है अभी तक कोई वाद्य। एक तारा सुनना करुणा सुनना है और घूमना है पूरे मन में उजाले का खान। एक तारा अकेले की विशालता है, मेरा मन गाता रहता है अप्रतिम अध्यात्म। लोक गायक एक तारे के साथ उलीज देते हैं भाव अनुभाव और करुणा प्रेम से भीगता रहता है हमारा लोक। एक तार की ऐसी सामर्थ्य और उजास निहार, खुश मन एक तारे का साथ दे रही है उंगलियां। उमड़ी हुई है एक तार पर भक्त, करुणा से भीज रही है दसों दिशाएं। एक तार ने गा गा कर चमका दिया है करुणा संवेदना की सारी धातु, और आलोड़न में बढ़ गया है अनुभूति का जल। संत कवियों के पद गाते गाते लोक गायक गा रहा है अब श्रवण कुमार की कथा। कथा में जहां श्रवण कुमार को लगता है राजा दशरथ का तीर, मूर्छित हो गया है वहीं एक तारा और फूट नहीं रहे हैं तार बोल। कुछ देर की चुप्पी के बाद कथा के अनुरोध पर एक तारा आगे बढ़ाता है कथा, जहां श्रवण के माता पिता के शोक संतप्त आंसू गा नहीं पा रहा है गायक, और एक तारे के तार में भी उठ रही है लगातार रोने की हिचकी। यह रोना चुपचाप रोना नहीं है, यह रोना चुपचाप रोना नहीं है, हत्या का पुरजोर विरोध है। शोक में डूबे हुए
एक तारे के सारे स्वर सिसक रहे हैं और दसों दिशाओं में भर गया है कथा का सारा सो ही सो। एक कविता है चित्र का शरीर। हम बहुत सारा चित्र देखते हैं, असल में एक हिंदी में मैं माफी के साथ कहूँ एक बहुत झूठी किस्म की बहस, वो जैसे आप चित्र संगीत अंगीत नाम लेने लगिए तो पता नहीं कलावाद का ऐसा ढिंढोरा झूठा टाइप का, मतलब उन लोगों को मैं क्या कहूँ, मैं क्या समझा सकता हूँ कि आप देखिए हमारा आदिवासी समाज है जिसका बिना चित्र के बिना शिल्प के काम ही नहीं चलता, वहाँ जीवन और कला अलग नहीं। तो मैं उसी का पक्षधर हूँ, वही कला मुझे चाहिए जो जीवन से जिसका वास्ता जो गहरी रागात्मकता के साथ जीवन से जुड़ी है। इसलिए मैं यद्यपि यह जगह उस बहस की नहीं है, न मैं उस बहस में अभी जाना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय संदर्भ में मैं अपनी बात कहूँ तो हमारे यहाँ कला और जीवन की कोई फाँक नहीं रही है, कला और जीवन एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहना भी चाहिए। बहरहाल इस कविता का शीर्षक है चित्र का शरीर। चित्र का शरीर है यह, लेकिन चित्रकार के हाथ से फिसल गया है चित्र का चित्र। चित्र का शरीर है यह, लेकिन चित्रकार के हाथ से फिसल गया है चित्र का चित्र। जैसे कि राग का रूप तो ला पाया हो संगीतकार, रूह लाने में फूल गई हो उसकी सांस। कविता के विन्यास भर पर इतरा रहा हो कवि, और कविता की काया में आत्मा लाने में कांप गए हो उसके हाथ। नृत्य भी देह में रहकर देह से परे हो जाने की साधना है। नृत्य भी देह में रहकर देह से परे हो जाने की साधना है। नाचते हुए जीवन के सारे रस राग अपने जीवन में ही अपने को अनुपस्थित कर मंच पर पात्र का जीवन जीने की कला है नाटक। यद्यपि यह सधा नहीं तो नीरस हो जाता है रंग कर्म। अपने आकार और आत्मा के लिए कलाएं बहुत मेहनत मांगती हैं, जैसे अपनी सुगंध को आकार देने में अपना फूलपन बचाते हुए फूल को जूझना होता है दिन रात। कलाएं अजीवित का अलंकरण नहीं है, कलाएं अजीवित का अलंकरण नहीं है, रचनाकार की कल्पनाशीलता का पसीना। कलाएं अजीवित का अलंकरण नहीं है, रचनाकार की कल्पनाशीलता का पसीना। रचना के आलोक में ही अपने नमक और नमी के साथ दिखता रहता है। एक चूंकि इस तरह की बात से शुरुआत है तो एक बहुत मुझे दिलचस्प लगता है कि जब नाटक होता है तो सारा फोकस मंच पर होता है, और जब कोई करुण कथा होती है और कुछ ऐसा दृश्य होता है जो करुणा से भर देता है हमें, और जाहिर है हम अच्छा सिनेमा देखते हुए करुणा से पूरित सिनेमा देखते हुए करुणा से पूरित नाटक देखते हुए हमारे आंसू छलछलाते हैं, आंसू छलक आते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। सबको पता है कि जिसके साथ ये घट रहा होता है उसी को पता है। तो एक मैंने सोचा एक ऐसी कविता हो जो लाइट मैन नाटक पर लाइट देता है, तो नाटक मंच से कैसे दर्शकों में शिफ्ट हो गया है, आ जाता है, और नाटक में जो हुआ है उसका असर सब लोग कैसे अपने आंसू छुपा रहे हैं। तो इस अर्थ में नाटक मंच से दर्शक में आ गया है आंसू छिपाने का या अलग तरह का अभिनय करने का। दर्शकों के बीच क्या चल रहा है उसको लाइट मैन पहचानता है और लाइट दर्शक पर डालता है, तो सब अपने आंसू छुपाने का कैसे अभिनय करते हैं उसको लेकर यह कविता है। इसलिए मैं इसको आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लाइट मैन। लाइट मैन रोशनी डालता है पात्र पर, लाइट मैन रोशनी डालता है पात्र पर, और मंच पर अंधेरा भी रखता है उसी वजन का। रोने के दृश्य में पात्र रो रहा है,
और आंसुओं से भीड़ कांप रही है रोशनी, दर्शक चुपचाप हैं। लाइट मैन ने नहीं की है दर्शकों के चेहरे पर रोशनी, अभिनय में पात्र रो रहा है कथा का पूरा शोक, लेकिन दर्शकों के भीतर सचमुच में रो रही है कथा, दर्शकों के भीतर कथा रो रही है लेकिन आंसू दर्शकों की आंखों से छलछला रहा है। दृश्य बदलता है दर्शक दीर्घा में, दृश्य बदलता है दर्शक दीर्घा में, लाइट में फैलाता है प्रकाश अपने अपने आंसू छिपाने का, दर्शक अब अभिनय कर रहे हैं। इस तरह से यह लाइट मैन कविता है। इसी संग्रह से अब मैं अपने लोक की तरफ चलता हूं और एक कविता है पांव महावर। महावर पांव पर बसंत है, महावर पांव पर बसंत है, तुम्हारे पांव का महावर धरती पर छप गया और रख गया आंगन का लीलार। दुनियादारी में विधा दौड़ते भागते महावर की छाप जितना ही आया, अपने जीवन में प्रेम भाव से भरा हुआ महावर अभाव का आभूषण है। नहीं होता जेवर गहना तो हमारे छोटे छोटे घरों की औरतें महावर से ही कर लेती हैं अपना साज श्रृंगार। सुंदरता के अचरज से भर आँख गड़ाकर देखते हैं जब हम पांव का महावर, महावर लजा कर लाल हो जाता है। काज ब्याह उत्सव प्रयोजन में महावर लगाती हैं जब औरतें, बंजर होने से बच जाता है हमारी धरती का पांव। स्त्री और धरती, स्त्री और धरती जुड़वा हैं, फूल पत्ती बेलें धरती के महावर मन से ही फूटते हैं। लोक के उत्सव मुश्किलों से जूझने के सच्चे औजार हैं और मन की ऊर्जा के समूह। लोक नाट्य हो या लोक नृत्य संगीत, महावर ही रचता है नायिका के पांव की सुंदरता। महावर रंग रसायन है, पांव पांव चलकर पृथ्वी की उम्र तक जाएगा। काम धाम मेहनत मुश्किल के बाद महावर लगाने साथ बैठती हैं जब स्त्रियां, सुंदर किस्सों और हंसी मजाक को पंख लग जाते हैं। उत्सव के कल्पवृक्ष को अपने पसीने से सींचते हमारे जनपदों की देहरी में बहुत रंग हैं। तंग हैं जिनकी निगाहें पांव के महावर के फूल की महक उनके फेफड़े में उतारती नहीं अपना रंग। सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए वाक्य व्यय करते मुझे हमेशा लगता है कि प्रेम कविताएं भाषा के पांव के महावर से ही अपना होना शुरू करती हैं। इस तरह से ये पांव महावर कविता। ये कविता मैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लेखक मित्र जिनके नाम देख पा रहा हूँ, तो तद्भव और तत्सम शीर्षक की कविता है, मैं उसे यहाँ रखना चाहता हूँ। तद्भव तत्सम, कविता तत्सम में बोलती और मैं तद्भव में सुनता। कविता तत्सम में बोलती और मैं तद्भव में सुनता। खेती किसानी का आदमी तद्भव तत्सम को तद्भव में रूपांतरित कर लेना आया है पीढ़ियों से मेरे भीतर। खेती किसानी का आदमी तत्सम को तद्भव में रूपांतरित कर लेना आया है पीढ़ियों से मेरे भीतर। कविता जो तत्सम में बोलती है उसे सुनने सहेजने का हमारे पास है पर्याप्त तद्भव। तद्भव में भी बहुत बोलती है कविता और उसे तत्सम में समझ लेने की कविता ने ही दी है हमें गहरी तमीज। देशज मानस है हमारा और मैं जानता हूँ हमारा देशज है बेहद विशाल, जिसमें बिना विरोधाभास के आवाजाही करते रहते हैं तद्भव और तत्सम। दुख चाहे तत्सम में कहा जाए या तद्भव में, तीसता वह अपने पूरे वजन में ही है। प्रेम चाहे तद्भव में बोला जाए या तत्सम में,
लरजते नीर की तरह आंच हृदय में भरती ही है, अपना अनूठा आवेग विलोम नहीं है, विलोम नहीं है, तत्सम और तद्भव परस्पर पूरक हैं। पिता की मृत्यु पर तद्भव में मैं फूट फूट कर रोया, पिता की मृत्यु पर तद्भव में मैं फूट फूट कर रोया, और शोक संतप्त तत्सम के अश्रुजल भी चुपचाप नहीं रहे हैं। एक कविता है अपील शीर्षक से। जब कविता से बाहर जाओ तब एक बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखो जरूर। जब कविता से बाहर जाओ तब एक बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखो जरूर। कविता के मन का बोझ कम होता है इससे, और वह सही वजन की कविता है बनता है, इस पर कविता का विश्वास। प्रेम तो पूरा ही नहीं होता पीछे मुड़कर देखे बिना। वृक्ष के नीचे से गुजरो, वृक्ष के नीचे से गुजरो तो गंतव्य के पहले पीछे मुड़कर वृक्ष की ओर देखो। पत्तियां अब और अधिक हरी लगेंगी। नदी से गुजरो तो पीछे मुड़कर नदी को निहारो भर आंख। देखोगे कि नदी में पानी बढ़ चुका है और लहरों में भी बल आ गया है तुम्हारी निगाह का। देखना देखना बहुत ताकत देता है मेरे भाई, यह हमसे अधिक यह आसमान जानता है। एक कविता है पत्थर शिल्पी नाम से। मैं अपने मित्रों के साथ अभी पिछले दिनों ही मणिमोहन जी के साथ बहुत खूबसूरत जगह उन्हीं के सौजन्य से मैं देख पाया, और तो जहाँ जाता हूँ कभी हूँ तो थोड़ा कविता लेकर ही लौटता हूँ। एक तरह से मैं कहता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जो पढ़ता लिखता हूँ, जो जीता मरता खपता हूँ, उससे कविता कमा कर लाता हूँ। तो मेरी ये कविताएँ मेरी कमाई हैं, इन्हीं इसी तरह के जीवन से इन्हीं कविताओं को पाया है। पत्थर शिल्पी। मैं पत्थर शिल्पी हूँ, पत्थरों में सुंदरता काटते मुझे सुख मिलता है। मैं पत्थर शिल्पी हूँ, पत्थरों में सुंदरता काटते मुझे सुख मिलता है। हंस बनाकर उड़ान सहेजता हूँ, आँख बनाकर निगाह। हंस बनाकर उड़ान सहेजता हूँ, आँख बनाकर निगाह। मछली रचते हुए करता हूँ अपने पूर्वज पानी का सम्मान। होंठ में तैरता है आवाज का आकाश। पत्थरों के साथ रहते रहते मैं कल्पनाओं के जल में बहना सीख गया हूँ, रहना सीख गया हूँ ऋतुओं के संसार में। बहुत कोमल होता है पत्थरों का हृदय, बहुत कोमल होता है पत्थरों का हृदय, जिनमें आप फूल काट सकते हैं या किसी बच्ची की कोमलतम मासूम मुस्कान। हमारे प्रेम में पड़ हमारी प्रिया के जिस्म के साथ रूह भी धड़का देते हैं पत्थर। बहुत मासूम होते हैं पत्थर, इसीलिए इनका कर लिया जाता है कभी कभी मनचाहा इस्तेमाल। अमर होने के लिए, अमर होने के लिए कोई निजाम पत्थरों के सीने में गढ़वा लेता है अपनी प्रशस्ति। तानाशाह पत्थरों से ही बनाते हैं अपने लिए रहस्यमयी तलघर। यह अलग बात है कि फिर जनता पत्थरों से ही तानाशाहों को देती है सही जवाब। कभी कभार न्याय पर भी पत्थर पड़ने की आती रहती हैं खबरें। कभी कभार न्याय पर भी पत्थर पड़ने की आती रहती हैं खबरें। आतताई देशद्रोही हिंसा के लिए पत्थरों का ही करते हैं अक्सर इस्तेमाल। यह सृष्टि पहले मौन से बनी, फिर मिली इसे आवाज। पत्थर सृष्टि का एकदम शुरुआती साथी है, इसीलिए पत्थर की काया में है अथाह मौन। पत्थर के अथाह मौन से मैं आवाज निकालता हूँ। दरअसल जो आप देख रहे हैं मूर्तिवत
वह मुकम्मल आवाज ही है बैठी हुई पत्थर के भीतर। हमारी लिपियों ने भी पत्थरों की पीठ से ही तय की हैं अपनी लंबी यात्राएं। धरती पर रहने के लिए देवी देवताओं ने भी पत्थरों में धरती पर रहने के लिए देवी देवताओं ने भी पत्थरों में ही ली है शरण। छेनी चलाते जानता हूँ हर छेनी के चोट से पत्थर से जो चीख निकलती हैं पीड़ाएं हैं वह पत्थर की मथती रहती हैं जो उसका कलेजा। कालांतर में हमारी पीड़ाएं भी पत्थर होने के सिवा और होती क्या हैं। अपने कठोर वजूद में कोमलता को सहेजने का पत्थरों में होता है अद्भुत हुनर। फूलों से भरी यह जो बेले निकाली है मैंने पत्थर की बाहों में, यह मुझ शिल्पी से अधिक इस पत्थर की आकांक्षा है। पत्थर पानी के बचपन का दोस्त है, बारिश से पत्थर को है असीम लगाव। इसीलिए बारिश से लहा लो भीगते पत्थर को देखना इस कविता की भी आखिरी पंक्ति होनी ही चाहिए। एक मैं अपने निजी रूप से अपने कवि अस्तित्व पर कविता पढ़ना चाहता हूँ जो बिंदी बिंदी शीर्षक से है। मुझे लगता है जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि हम सब उस कविता के नागरिक हैं जहाँ से वेदव्यास आते हैं, तुलसी आते हैं, कबीर आते हैं, सूर आते हैं, मीरा आती हैं, इधर चलिए तो निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी, गालिब, मीर सब आते हैं। हम उस कविता के नागरिक हैं। हम विशेषतर भारतीय संदर्भ में, भारतीय वाङ्मय के संदर्भ में हम इस बात को रख रहे हैं। तो मैं उन सब में अपनी एक कविता रख रहा हूँ, अपने कवि के निजी रूप से अपने लिए बिंदी बिंदी शीर्षक कविता आप सबके सामने। पंक्ति में बिंदी बिंदी किसी की उपस्थिति है, आदि इत्यादि बिंदी के गोत्र के ही हैं, अमूमन मौजूद नहीं करना है जिसे। बिंदियां उसी संज्ञा सर्वनाम या क्रिया की प्रतिनिधि हैं। बिंदी में संभावना की अपरिमिति है, अभिप्राय में बिंदी बिंदी को पढ़ना होता है गड़ाकर निगाह। जमाने से है बिंदी बिंदी में चालाकी रखने का चलन, बिंदी बिंदी में ही कह दिए जाते हैं कलेजा पेर चुके कितने तो दुख। वगैरह में भी आशय बिंदी बिंदी का ही है। कविता की बात होगी, जो मैंने अस्तित्व की बात की है आपसे, कविता की बात होगी और ऐसी ही किसी बिंदी में उपस्थित रहूंगा मैं। कविता की बात होगी और ऐसी ही किसी बिंदी में उपस्थित रहूंगा मैं। आलोचक भले मेरा नाम काट दे, लेकिन कोई न कोई बिंदी करेगी मेरे नाम का प्रतिनिधित्व। दाखिल खारिज के बीच कविता में मेरी बिंदी भर जगह, जरूर किसी ध्वनि के अनुस्वार की समस्या पूर्ति होगी। क्योंकि जिन पूर्वज कवियों का मैं नाम ले रहा था, उन्हीं पर एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। महाकवि व्यास पर एक कविता, आप सब जानते ही हैं कि एक श्लोक है, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्तैते चिरजीविना। अर्थात ये सात जो मैंने अभी श्लोक में नाम लिए ये चिरजीवी हैं, और आप पाएंगे कि इसमें एक महाकवि चिरजीवी है और उसका नाम है वेदव्यास। आप कल्पना कीजिए कि महाभारतकार जीवित है और उसके रहते, इस महान कृतकार के रहते मैं
प्रेम शंकर शुक्ल कविताएं लिख रहा हूं, तो सचमुच में उनके सामने, जैसा कि मैंने पहले कविता एक बिंदी भर भी मेरी औकात उनके सामने नहीं है महाकव्यास की, तो इस तरह से एक प्रणत कह लीजिए या उनके प्रति प्रणम में आकांक्षा कह लीजिए, यह कविता है जिसे मैं आप सबको सुनाकर अपने लिए मुझे एक ऊर्जा मिलेगी। महाकव्यास, एक श्लोक ने बताया मुझे, एक श्लोक ने बताया मुझे, जीवित है महाकवि व्यास, चिरजीवी है हमारा यह महाकवि, और मैं कविताएं लिख रहा हूं। सोच कर यह लाज लिहाज से भरा हुआ है मेरा मन, जीवित है महाकवि व्यास और मैं कविताएं लिख रहा हूं। महाभारतकार जीवित हैं और मैं लिख रहा हूं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मृत्यु लिखने वाले व्यास अमर्त्य हैं, कालजयी है उनकी कृति महाभारत। वैसे सुनता आया हूं कि कृतिकार काया से चला जाता है मृत्यु के घर, लेकिन अमर रहती है उसकी कृति। कृति की अमरता में कृतिकार भी, कृति की अमरता में कृतिकार भी कृति जितना बचा रहता है मर जाने से। मृत्यु लोक में अमर है महाकवि व्यास, इस लोक की सार्वजनिक घोषणा है यह, महाकवि व्यास जीवित हैं और मैं कविताएं लिख रहा हूं। मेरी आधी अधूरी कविताएं देखकर क्या सोचेंगे महाकवि व्यास। महाकवि व्यास जीवित हैं और मैं कविताएं लिख रहा हूं। मेरी आधी अधूरी कविताएं देखकर क्या सोचेंगे महाकवि व्यास। मुझसे तो बोलना भी नहीं आता ठीक से, मेरी कल्पनाशीलता में नहीं है उत्कर्ष, अनुभव अनुभूत कहने में नहीं हूं मैं समर्थ, सारा उच्चारण अशुद्ध, बोल बनाव में हूं बेहद कमजोर। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखने वाले व्यास जीवित हैं और मैं कविताएं लिख रहा हूं। गहरे संकोच और संशय मन मैं कांपते हाथ कविताएं लिख रहा हूं, छिपा छिपा कर महाकवि की निगाह। कविता से सबसे अधिक काम लेने वाले महाभारत के रचयिता, महाकविता संभव करने वाले व्यास जीवित हैं और मैं कविताएं लिख रहा हूं। सोच कर इसे थरथराती है मेरी आत्मा और खुलते नहीं मेरे होंठ। मृत्यु लोक में मृत्यु का उल्लंघन करते हुए महायुद्ध लिखकर शांत कैसे रहता होगा हमारा यह महाकवि। सदैव सदैव उपस्थित हैं आप महाकवि व्यास और मैं कविताएं लिख रहा हूं। नाराज न हो महाकवि, उपरांत आदि कवि की कविता की धूप में आपकी वाणी का उजाला है अकूत। आपने ही तो फैलाई है हमारी धरती पर कविता की आबो हवा, लटपटाती जिहवा से मेरे कहने बोलने में महाभारत मन। आपका प्रबल स्नेह ही मेरी कविता का, लटपटाती जिहवा से मेरे कहने बोलने में महाभारत मन, आपका प्रबल स्नेह ही मेरी कविता का भी बल बना हुआ है। इस तरह से ये महाकवि व्यास को अर्पित कविता, एक कविता इस संग्रह से मैं चाहता हूँ और मैं सुनाऊँ। हमारे जनपद जीवन से उसका वास्ता है। खेत कटाई, धूप में गेहूं जौ काटती औरतें बातों की फसलें भी काटती रहती हैं। धूप में गेहूं जौ काटती औरतें बातों की फसलें भी काटती रहती हैं। खेत जानता है औरतों का यह हुनर, इसीलिए उनके सम्मान में बिछा रहता है हर हमेश। काटते काटते जब यह औरतें पारी पारी से गाने लगती हैं, गीत की तरल धुन से गीला हो जाता है धूप का मन और धूप भी बहने लगती है औरतों के पसीने के साथ। औरतों का करिश्मा कि अनाज से खलिहान भरा रहता है और बातों से
भाषा का ओसार कोठार भी औरतों की बातों में चढ़ता उमड़ता दिखता है। दुख सुख का समुद्र उनकी बातों से ही पता चलता है कि कितना सूख रहा है सुख और जीवन की घाटियों में रिस रहा है कहाँ कितना दुख। समय के माथे के सारे घाव औरतों की निगाह से बांचने से दुख का उच्चारण कभी गलत नहीं होता है। मुझे लगता है कि यह जन्म से ही जीवित है पृथ्वी नाम का जो मेरा संग्रह है उससे जो मैंने कविताएं सुनाई हैं आप सबको पसंद आई होंगी। अब मैं देख रहा था, दरअसल नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से अब जो नाम है और सचमुच में मेरे तो बहुत वरिष्ठ लेखकों के नाम हैं, ममता कालिया जी और चंद्रकला त्रिपाठी जी, सचमुच में मैं अभिभूत हूँ आप लोगों का कि आप मुझे सुन रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है या सचमुच में आपने अनुग्रह किया है जिससे मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। और मैं अपने युवा मित्रों के भी कुछ नाम स्क्रीन पर देखे हैं लेकिन आज मैं आपका नाम बहुत रटता रहा हूँ भारत भवन में होने की वजह से तमाम संचालन करते हुए, तो न लूँ तो आज की भरपाई उस दिन से करिएगा। और आप मनोयोग से सुन रहे हैं या मुझे संबल दे रहा है इसी को मैं आज दोहराना चाहता हूँ, सचमुच में मैं कृतज्ञ हूँ। जो सहज लिपि कविताओं को लेकर मैंने देखा कि सहज लिपि की जो कविताएं हैं उसको लेकर कुसुम भट्ट जी ने अभी आया था कि वो पढ़िए, हमारे अंचल के लिए बहुत सुंदर लोग कवि हैं बघेली के शिवशंकर मिसेस सरस जी वो दिख रहे हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि मैं लोक बोलियों से बहुत ग्रहण करता हूँ इसलिए उसके कवि को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो उस संग्रह से मैं सहदलीप से कुछ प्रेम कविताएँ यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है कविताओं का, ये सब आपस में झगड़ने लगती हैं कि जब तुमने मुझे संग्रह में शामिल किया है तो तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, उसमें छांटते क्यों हो। तो ये कविताओं से जो कवि का झगड़ा है वह भी कवि के भीतर चलता रहता है। बहरहाल एक कविता है साथ नाम शीर्षक से है, जो मैं इस संग्रह के कवर पर भी मैंने इसको अपनी लेखनी अपने हैंडराइटिंग में भी रखा हूं, तो मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। साथ नाम। मेरा नाम ले लेकर लड़ती झगड़ती होंगी तुम्हारी पत्नी, मेरा नाम ले लेकर लड़ती झगड़ती होंगी तुम्हारी पत्नी, जोड़ जोड़ कर मेरे साथ तुम्हारा नाम, उंगली तक नहीं छुई हमने कभी एक दूसरे की, लेकिन सुनती हूँ मेरे बारे में कहती हैं वह तमाम अपशब्द, सुनना पड़ता होगा मेरी वजह से कितना कुछ तुम्हें, जमाने भर की बुराई लादी जाती होगी तुम्हारे ही सिर, तुम्हारी नेक नियति सज्जनता के प्रति हमेशा रहा मेरे मन में गहरा आदर भाव, उजली खिलखिलाहट तुम्हारी आज भी है मुझे बेहद प्रिय, अनुरक्ति ही थी हमारी है भी, तभी तो कविता में आज उठ आई है इस तरह तुम्हारी बात, अफसोस होता है अक्सर मुझे मेरी वजह से तुम निर्दोष पर कितना दोष लग रहा है। हम एक ऐसी प्रेम कविता जो मैं थोड़ा सा बोलने में इसको लाया भी था और कुछ हमारी हिंदी कविता में इसकी अनगूंज ध्वनियाँ हैं भी, मैं सुनाना चाहता हूँ। वृद्ध दंपत शीर्षक से कविता। सच्चे अर्थों में जो वृद्धों का प्रेम होता है वह बहुत महानतम प्रेम होता है और मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ, मेरा कवि उससे अभिभूत है।
तो मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, वृद्ध दंपति। पढ़ते हैं रेखाएं और निहारते हैं बार बार अपनी हथेलियां, कुछ बातें करते हैं और एकाएक छा जाती है चुप्पी। चले जाते हैं वे सूखे हुए सुख के नमक से, स्मृत की लुनाई में अपनी, मन ही मन अपने में ही कुछ गुदगुदाते हैं और कभी कभी चेहरे पर चमक उठती है मुस्कान। आपस में इतना घुल मिल कर रहते हैं वृद्ध दंपत, जैसे झाड़ पूछ दिया हो परस्पर की शिकवा शिकायत। मैं पुरखुश होता हूँ उस समय जब वृद्ध दंपति अपने चेहरे पर वक्त के निशान के साथ एक बच्चा हंसी की परवरिश करते मिलते हैं। कनेर के दो फूल रहते हैं जैसे अपनी टहनी पर, कनेर के दो फूल रहते हैं जैसे अपनी टहनी पर, रहते हुए इतने ही पास रखते हैं वे एक दूसरे का पूरा ख्याल। राह चलते जब एक पिछड़ जाता है, दूसरा रोक लेता है अपनी राह। कोई शिकायत नहीं उन्हें अमेरिका में रह रहे बेटे बेटियों या नाती पोतों से। उम्र की तरह उनकी दुनिया की समझ भी पक्की है। बहुत सारे अफसोस हैं उनके भीतर, लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर उन्होंने झंझावातों के बीच भी शांति चुनी है अपने लिए, और उन्हें देख लगता है अपने चुनाव में वे हैं पूरी तरह से कामयाब। बात करते हुए हंसते हैं जब वे शक्कर हंसी, बात करते हुए हंसते हैं जब वे शक्कर हंसी। वक्त के चेहरे पर दौड़ जाती है मिठास, दुख दबाने का उनका जज्बा अचरज से भरता है हमें खुश दिखने के लिए। जब उड़ाने लगते हैं वे अपना ही मजाक, चकित रह जाता हूँ मैं। मुझे हंसी नहीं रुलाई कूटती है भीतर ही भीतर, लेकिन बाहर मैं हंसता हूँ सुनते देखते हुए उन्हें। हमारी उम्र भी रंगमंच है, बहुत अभिनय करना होता है दुनियादारी के लिए हमें। वृद्ध दंपत भी सुखी संतुष्ट होने का अभिनय करते हैं, जबकि एक का शरीर रोगों का घर है, दूसरा भी है बीपी शुगर से परेशान। अकेले में एक दिन पुरुष ने समझा ही दिया मुझे, डॉक्टर के बताए अनुसार अब बरिस दो बरिस का ही है वह मेहमान। औरत तो और आगे निकली, मुझे करीब बुला फुसफुसाते हुए कहा, बेटा अब कुछ ही महीने हैं मेरे पास, इनका ध्यान रखना। अकेलेपन से इन्हें डर लगता है बहुत। इतना कहने के बाद आंसुओं से बहती उस माई को ढाढ़स बंधाता रहा मैं काफ़ी देर। फिर देखा कुछ ही देर बाद दोनों चाय पीते हुए हंस रहे हैं। हंसी का ऐसा अनुभव जीवन में मुझे मिल रहा था पहली बार। पहली बार मैं भीतर फूट फूट कर रो रहा था और बाहर वृद्ध दंपत की उस हंसी में जोड़ रहा था अपनी भी हंसी। जिंदगी के ऐसे खेल तमाशे में शामिल हो रहा था मैं पहली बार, खाते हुए अपने से ही शिकस्त दर शिकस्त, और देख रहा था कि उम्र नदी के घाट पर वृद्ध दंपत के सम्मान में फफक रही है कविता, और वक्त के आंसू भाषा की आंख में अब उमड़ आए। नताशा जी धन्यवाद। ममता कालिया जी को मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, उनने भी यह मैं उनका आदेश ही कहूँगा कि कहा था कि आप सहत लिप पढ़िएगा, तो मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। और अभी दो कविताएँ मैंने पढ़ी, मेरे बहुत अच्छे मित्र कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी जी दिख रहे हैं, और उनका यहाँ दिखना, मेरे नताशा जी का, अनिल जी का, हम उम्र दोस्तों का दिखना सचमुच में पढ़ने में बहुत ही ऊर्जा से उष्मा से भर रहा है।
और एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं देवव्रत मिश्र, जो सुरबहार बजाते हैं और बनारस घराने के बहुत तेजस्वी कलाकार हैं, मेरी कविताओं के प्रेमी हैं, और बहुत सारा मैं कुछ संगीत का जब इस्तेमाल करता हूँ तो देवव्रत भैया से भी पूछता रहता हूँ, तो उनका यहाँ होना मुझे बहुत क्या कहूँ कि किस रोमांच से भर रहा है। बहुत ही प्रतिष्ठित कहानीकार मनोज पांडे हैं यहाँ। दरअसल ये मेरा कविता पाठ भर नहीं है, आप सबका ये साझा एक प्रयास है जिसमें मैं भी हूँ। थोड़ा बहुत आप सबने तरजीह दे रखी है तो मैं बोले चला जा रहा हूँ। तो मैं मनोज पांडे जी को, बहुत अच्छे कथाकार हैं, उनको, जन सुलभ पुस्तकालय को, देवव्रत भैया को जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन सबको मैं बार बार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक लंबी कविता मैं उसी सहलिप संग्रह से मैं पढ़ता हूँ। दरअसल मेरी अपनी जानकारी में, यद्यपि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, दुनिया का साहित्य बहुत मैंने नहीं पढ़ा है, भारत का भी साहित्य बहुत कम ही जानता हूँ और उससे वावस्ता हूँ, इसलिए कोई दावा नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ अपने जानने के आधार पर यह मैं जरूर कहना चाहूँगा। संध्या जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रज्ञा रोहिणी जी यहाँ दिखाई दे रही हैं, उनको भी मैं धन्यवाद अपनी तरफ से करना चाहूँगा। आप सब हैं और मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे आप सबकी धूप मुझे मेरी कविताओं को रोशनी दे रही है। तो नदियों की प्रेम कथा मेरी अपने जान से, जिस तरह से सोन और रेवा अर्थात नर्मदा की प्रेम कथा कही है, उनका विवाह होने को है नहीं हो पाया, और उसमें जोहिला नाम की नदी, हमारी फिल्मों ने बहुत प्रेम त्रयी बहुत दिखाई है, हमें प्रेम त्रिकोण बहुत दिखाया है, तो उसको मैं मेरी जब मुझे लोक मुख से कहूँ, जनश्रुतियों से कहूँ, जो मुझे जानने को मिला उसको मैंने कविता में गूंथने की, कविता में लाने की कोशिश की, और मैं उसको आपके सामने रखने में उत्साहित भी हूँ, उसका लोभ भी है मुझे कि मैं आपके सामने रखूँ नदियों की प्रेम कथा। अद्वितीय है वावस्ता होना नदियों की प्रेम कथा से, यद्यपि हमारी प्रेम कथाओं का नदियों से है अथाह संबंध, लेकिन नदियों की अपनी प्रेम कथा है, सुनकर इसे होता है सुखद आश्चर्य। रेवा पिता मेकल की प्रतीक्षा पूर्ति के बाद नर्मदा सोन का प्रेम और विवाह की तैयारी, फिर विवाह के पहले ही जोहिला का आ जाना सोन और नर्मदा के बीच, बीच का भी बीच होता है जोहिला, इसी तरह आई नर्मदा सोन के बीच, प्रेम त्रिकोण कहें इसे या पृथ्वी पर प्रेम की अप्रतिम नदी कथा, लोक कंठ में बहती रहती है जो अबाध। नर्मदा सोन का विवाह होने होने को है कि नर्मदा की सेविका सह सखी जोहिला का हो जाता है सोन से मिलन प्रसंग, सोन और जोहिला को प्रणय आपद्ध देखना नर्मदा के लिए था असहनीय आघात, होते होते रिश्ता टूट गया, मिलते मिलते रह गया दो लहरों का मन, क्रोधावेश में नर्मदा चल दी पश्चिम छोड़कर सोन का साथ, श्रुति में सोन भद्र नद और नर्मदा जोहिला है नदी, इस तरह नद नदी का रह गया विवाह कथा में बहता है बनकर धरती का पहला प्रेम त्रिकोण, सोन पूरब नर्मदा पश्चिम, प्रेम में विलोम बहने का यह है अपूर्व दृष्टांत, कितना सुनता आया हूँ कि तिर्यक ही चुनता है अपने लिए प्रेम, कविता ने ही बताया मुझे कि प्रेम में है अचानक का वर्चस्व, समय भी नहीं जानता प्रेम की नियति, जोहिला को सोन संग रति रत निहार, क्रोधावेग में चल देती है नर्मदा, कुछ पलों के बाद संज्ञान में सोन को पता चलता है जब नर्मदा की नाराजगी का रहस्य, अपनी चूक का वास्ता दे देकर
रेवा 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 पुकारता है सोनभद्र, लेकिन पीछे पलट कर निहारती तक नहीं रेवा। सोन की रेवा रेवा की पुकार मेकल के जंगलों में गूंजती है आज भी, और रेवा में भी बहती है इस पुकार की करुण ध्वनि। जोहिला से सोन का मिलन मलिन नहीं हुआ है अब तक, लेकिन रेवा के लिए सोनभद्र के कलेजे में उठती है तड़प टीस लगातार, और चाहत भी अपरंपार। रेवा भी सोन के लिए अशुभ नहीं कहती कभी कुछ, चिर कुमारी रहने का व्रत ही अब रेवा का अलंकार है। जोहिला तो पा गई दुर्लभ प्रेम, लेकिन नर्मदा भटकती है जंगल जंगल, और रेवा रेवा पुकारती गंगा में छलांग लगा लेता है सोन। पृथ्वी पोथी में लिखी हुई है प्रेम की यह अचरज भरी कथा संधि, आख्यान की सुंदरता है या है यह सुंदरता का आख्यान। रेवा की कसक सोन का अफसोस लहरें लेकर बहती हैं, कहती हैं बन लताएं इसे कनबतियों की तरह। कविता में इस प्रेम कथा का फैला है रमणीय आदिवास, दुनिया में नदियों की प्रेम कथा यह पहली। बहती रहती है कभी रेवा लय कभी सोन की धार, जोहिला भी सोन संगम में सहेजे रहती है अपना अस्तित्व। सोन जोहिला के मिलन और नर्मदा के चिर बिछोह को समेटे नदियों की महान प्रेम कथा कविता में भी धड़कती है लगातार। नर्मदा सोन की प्रेम कथा आंसू भर कर गाई जाने वाली प्रेम कथा है, अपने अचानक में जो भरे हुए है युग युगांतर। रेवा की सोन कसक सोन की रेवा हूँ, कविता के कलेजे में है पीर का अथाह। सोन स्त्री सुख पाया लेकिन रह गया दाम्पत्य सुख, सोन स्त्री सुख पाया लेकिन रह गया दाम्पत्य सुख। जिसकी विदग्ध हूक लिए बहता है सोनभद्र, कौमार सज्जित नर्मदा महान प्रेम कथा में अनवरत लिखी जा रही अर्थोत्कर्षी कविता की तरह बहती है। कविता कहती है हलफ उठाकर, रेवा का जीवन है एकदम कविता के जीवन जैसा ही। कुछ मैंने इसी संग्रह में गद्य कविता के फॉर्म में भी लिखने की कोशिश की है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ मैं कादंबरी को, राधा वल्लभ जी ने जो कादंबरी का हिंदी अनुवाद किया उसको पढ़ने का सुयोग मुझे पहले मिला, और फिर मैंने कादंबरी जो मूल रूप में है उसको भी पढ़ पाया। तो मैं मानता हूँ कि कादंबरी एक तरह का गद्य गीत है, जिस तरह से उसमें वर्णन है कविता में, जिसको हम लोग कहते हैं पोएटिक प्रोज है, तो उसको मैं गद्य गीत कहूँ या गद्य कविता कहूँ कादंबरी को मैं मानता हूँ। और आज भी ऐसे बहुत सारे गद्यकार हैं जिन अपने कथाकार मित्रों को, कथाकार लेखकों को मैं स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ, वो भी बहुत सुंदर पोएटिक काव्यमय कविता से ओतप्रोत गद्य लिखने के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस तरह से मैं गद्य कविता का भी प्रयोग इस सहज लिप में करने की कोशिश की है, और उसी में से एक कविता मैं यहाँ आप सबके समक्ष रखूँ, यह मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए मैं, इसका शीर्षक है, जो आप सब जानते हैं संगीत के सीखने और जो युवक युवतियाँ कह लीजिए या लड़के लड़कियाँ या जो संगीत के विद्यार्थी हैं सीखते हैं उनको लेकर है, बाकी तो कविता में है। तुम्हारे लिए मैं आलाप में कभी कभी तुम्हारी आवाज़ बिखर जाती है, जबकि तुम्हारी आवाज़ का मिजाज बर्तुल बढ़ने का है। तुम्हारे कंठ में गहराई है बहुत, स्वर का घनत्व भी गहन है,
लेकिन अक्सर हड़बड़ी तुम्हारी गायकी के ठहराव में बाधा बनती है। ठहर कर करते हो जब तुम आलापचारी, मैं चकित निहारती हूँ तुम्हारी भाव मुद्रा। तुम गाते हो और खुश हो जाते हैं तुम्हारे राग रागिनी। जो गायक अपने गायन में अपने राग रागनियों को खुशी नहीं देता, वह रूखा गायक है। सुर सधता नहीं उससे कभी, गायक कहलाने के लिए वह गाता भर रहता है। तुम्हारी धीर गायकी में विलंबित मध्य द्रुत कितना बांधते हैं मुझे। डूब जाती हूँ मैं तुम्हारे आरोह अवरोह में, रणन अनुरणन में। हम दोनों एक ही गुरुकुल में गायकी सीख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कंठ की तासीर गहरी और भराव की है। तुम ध्रुव पद ख्याल में आगे जाओगे, मैं नहीं। पूरब अंग की कजरी ठुमरी दादरा पूरी चैती में मेरा मन लगता है और अपने को पाती हूँ मैं सहज। ख्याल में जब तुम प्रेम की बंदिश गाते हो जिससे फसलें पकती हैं, वही फाल्गुनी उत्तरायण के सूर्य का ताप महसूस करती है मेरी आत्मा। ठुमरी कजरी में कितना मैं तुम्हें ही गाती हूँ। दादरा की डगर में पनघट पर मैं करती हूँ तुम्हारा ही इंतजार। कोयलिया ना बोले डार में आजकल मेरा कंठ कांप जाता है और तुम्हें रचने लगती हैं मेरी सांसें। कुछ चीज़ें कारण लेकर नहीं आती, लेकिन कारण की ही होती है ऊंच ताज। सुबह सुबह तुम भैरवी के रियाज में होगे, सुबह सुबह तुम भैरवी के रियाज में होगे तोड़ी ललित के भी, लेकिन मैं तुम्हारे ख्याल में हूँ। सुबह सुबह तुम भैरवी के रियाज में होगे तोड़ी ललित के भी, लेकिन मैं तुम्हारे ख्याल में हूँ। यह क्यों लिख रही हूँ तुम्हारे लिए मैं, यह क्यों लिख रही हूँ तुम्हारे लिए मैं। कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं करती मैं, जानते हो खत के लिए ही नाम बने हैं। जानते हो खत के लिए ही नाम बने हैं, क्या तुम भी मुझे खत लिखते हो न भेजने के लिए ही सही। जानते हो खत के लिए ही नाम बने हैं, क्या तुम भी मुझे खत लिखते हो न भेजने के लिए ही सही। यह एक कविता है उसी संग्रह सहदलिप से ही। एक कविता है कच्चा प्रेम नाम से। कच्चा प्रेम। आम पृथ्वी के तन और सूरज के मन से बना फल है। आम पृथ्वी के तन और सूरज के मन से बना फल है। पृथ्वी आम में मीठे रस भरती है और सूरज उसे पकाता है। आम ऐसा मीठा फल है पककर जिसके टपकने में भी मिठास होती है, सुनकर जिसका टपकना दौड़ पड़ता है हमारा बचपन। सिंदुरिया सुआ पंखी शंखा मालदह चपटिया मिठौहा आदि होते हैं हमारे जनपदों में आमों के नाम। पके आम खाते हुए पेड़ में लदे आम देखकर ललचाए राहगीरों का मन भी चख लेते हैं हम। पके आम खाते हुए पेड़ में लदे आम देखकर ललचाए राहगीरों का मन भी चख लेते हैं हम। गिलहरी खाए आम में चली आती है गिलहरी के दांत की शक्कर। सुग्गे आम को इतनी कलाकारी से खाते हैं कि याद कर उसे पेड़ के मन में दौड़ती रहती है हरियाली। अमराइयों में कोयल के गीत की मिठास पकाती रहती है आम। इसीलिए आम खाते हुए बचाकर चलना होता है हमें कि कोयल की
अमराइयों में कोयल के गीत की मिठास पकाती रहती है आम, इसीलिए आम खाते हुए बचाकर चलना होता है हमें कि कोयल की गीत में गड़ नहीं जाएं कहीं हमारे दांत। बसंत मन लिए आम सूरज के मन का फल है, पके मीठे आम में जो थोड़ा सा खट्टापन है, पके मीठे आम में जो थोड़ा सा खट्टापन है वही विरहिन का कच्चा प्रेम है। आम की छांव में प्रतीक्षा रत है विरहिन, आम की छांव में प्रतीक्षा रत है विरहिन, दूर देश से उसके साथी की अभी तक कोई खबर नहीं आई। एक जिसका मैं जिक्र कर रहा था रेजा राजगीर कविता, इस मैं उल्लेख करना चाहूँगा हम सबके बेहद प्रिय कवि अरुण कमल जी का। और जब कुछ फेसबुक पर और कभी कभी व्हाट्सएप पर मैं कुछ कविताएं भेज देता था तो अरुण कमल जी का बड़प्पन और स्नेह है कि उनने कहा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं आप। और विशेष तौर पर जब ये कविता उन्होंने रेजा और राजगीर पढ़ी तो उनने सचमुच में उनका बड़प्पन है उनका स्नेह है कि उनने मुझे फ़ोन भी किया। तो मैं एक तरह से अरुण जी के और आप सबके सम्मान में ये कविता पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक हमारे वरिष्ठ कवि ने कहा है। मैं स्क्रीन पर रक्षा दुबे जी दिख रही हैं, शोभा चौधरी जी, जैसे मैंने कहा कि गायक कलाकार जब जुड़ रहे हैं, हमारी बहन प्रज्ञा रावत हैं, हमारी बहन रक्षा दुबे हैं, ये सब दिख रहे हैं। तो मैं उनके प्रति मैं सचमुच में आभार प्रकट करता हूँ कि वो सब जुड़े हैं। और अपने भाई को, अपने मित्र को जो लोग सुन रहे हैं, मैं उससे ताकत पा रहा हूँ, थकान नहीं हो रही है और मेरा डर जाता रहा है, थोड़ी अब थोड़ी सी ही हिचक बची है और अब मैं आ गया हूँ पटरी पर। तो मुझे सचमुच में अच्छा लग रहा है आप सबके बीच होकर। रेजा राजगीर। गारा गिट्टी ढोते हुए खिलखिला रही है रेजा, प्रेमी पति जिसका राजगीर है, कोठी बन रही है किसी सेठ साहूकार की, साथ ही लगे हैं काम पर दोनों, सुबह उठकर वह जल्दी जल्दी कर लेती है रोटी पानी और पति के साथ आ लगती है फिर काम। काम और प्यार में डूबे हुए हैं रेजा और राजगीर, काम और प्यार में डूबे हुए हैं रेजा और राजगीर, कोठी की दीवार जोड़ते हुए दरअसल अपनी आत्मा में तामीर करते रहते हैं परस्पर का प्यार। हमारे जनपदों में रेजा कहते हैं मेहनत मजूरी करती स्त्रियों को, इस तरह यह रेजा और राजगीर की जोड़ी है, दीवार की जुड़ाई में देखते ही बनती है राजगीर के हाथ की सफाई। रेजा राजगीर की जोड़ी में अथाह है पसीना और प्रेम, रेजा राजगीर की जोड़ी में अथाह है पसीना और प्रेम, साथ मजूरी करते रेजा बंध गई राजगीर के प्यार में, और अब दोनों का हर पल का है संग साथ। साथी रेजाओं के साथ खुश मन कर रही है वह मसाला ढोने का काम, तसला तगाड़ी उठा रही है ताजा दम, खुद पानी पीने लगी तो ऊपरी दीवार पर जोड़ रहे आदमी को भी दे आई लोटा भर जल। कोठी की जुड़ाई का काम, कोठी की जुड़ाई का काम चल रहा है पुरजोर, दोपहर हो चली अब सभी ने खोल ली है घर से लाई रोटी की पोटली, बोरी बिछा कर बैठ दोनों खा पी रहे हैं रोटी पानी, और देखते ही बन रहा है परस्पर का प्यार मनहार। निहारते हुए यह मुग्ध है कविता, निहारते हुए यह मुग्ध है कविता, ऐसे प्रेम को देख देख पा रही है कविता अनिर्वचनीय सुख, बन रही कोठी में क्या होगा क्या नहीं कहाँ जान पाएंगे हम, लेकिन बनाने का हाथ लिए
रेजा और राजगीर की सांसों में पसीना और प्रेम को जो इज्जत हासिल है, भाषा के अनुरागी चित्त को इसी से प्रेमिल गहराई मिली हुई है। एक छोटी सी कविता एक तरफा नाम से। चेहरा छपा है मेरी निगाह में जस का तस, आओगे तो दुनिया तमाम की बातें करूंगी खूब खूब। थोड़ा सा विराम लेके ये कहने की आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। दरअसल जब इस संग्रह को कर रहा था तो जो अपोजिट जेंडर है कि मुझे खुद लगा कि स्त्री की तरफ से, औरत की तरफ से, आप नायिका कह लीजिए, उसकी तरफ से हमारी कविता में जैसे गीत गोविंदम में काम है, बात की भी कविताओं में बहुत सारा, प्रेम कविताओं में इस तरह का काम है। उड़िया के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं रमाकांत रद्दी, उन्हें श्री राधा नाम से एक पूरा बहुत ही सुंदर, हम उसको खंडकाव्य भी कह सकते हैं, इस तरह के काम हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला वगैरह में किया ही है, दिनकर ने किया है। पर फिर मुझे लगा कि इधर पता नहीं हमारी समकालीन कविता में जो मैंने पढ़ा है तो कितना कुछ है कि नहीं, तो मैं जब संग्रह को तैयार कर रहा था तो कुछ कविताएं थीं ऐसी, तो मैं जानबूझ के चाहता था कि ऐसी कविताएं मैं इसमें लाऊं कि जो मेरे मुख से स्त्री मुख होकर निकले। ये मेरी कोशिश है, ये मैं आपसे अपनी एक विनम्र अभ्यर्थना कर रहा था। बहरहाल एक तरफा। चेहरा छपा है मेरी निगाह में जस का तस, आओगे तो दुनिया तमाम की बातें करूंगी खूब खूब। चेहरा छपा है मेरी निगाह में जस का तस, आओगे तो दुनिया तमाम की बातें करूंगी खूब खूब। अपनी गर्म सांस में पकाती ही रहती हूँ मिलने की इच्छा, एक तरफा बात करती रहती हूँ मिलने पर पूछूंगी तुम्हारे कानों से, सुनते हैं क्या वे इतनी दूर से मेरी बातें, लत लग गई है तुम्हें सोचने की, मिलने की तलब में पहन लेती हूँ तुम्हारे मन के रंग, हठ में है दीज काटती रहती है रेखाओं में तुम्हारा मुखमंडल, छरहरी देह दृष्टि जहाँ देह के दिन में आत्मा की धूप गिरती ही रहती है। हठ में है दीज काटती रहती है तुम्हारा छरहरी देह यष्ट जहाँ देह के दिन में आत्मा की धूप गिरती ही रहती है। एक कविता यह भी, कवि की पत्नी होने का भी गौरव होना ही चाहिए, कवि साथ। तुम्हारे हाथ के तिर्यक में डाल लूंगी मैं अपने हाथ का तिर्यक और देर तक चलेंगे हम साथ। तुम्हारे हाथ के तिर्यक में डाल लूंगी मैं अपने हाथ का तिर्यक और देर तक चलेंगे हम साथ। साथ चलना हमें इतना भाएगा कि छूटने में हम दोहराएंगे फिर साथ। अपने मन का मीठा मौन सुनाऊंगी तुम्हें, अपने मन का मीठा मौन सुनाऊंगी तुम्हें, अपने कहे को अपने कहे से और चमकाऊंगी। तुम कवि हो पूरम पूर कवि, मुझे तुम्हारा बोलना चुनते रहना है। तुम्हारी हिचक पर हार जाती हूँ मैं अपना मन, कितना आत्मगौरव दे रहा है मुझे मेरा मेरे प्रिय कवि से अथाह प्रेम। मैंने टूट टूट कर अपने को बचाया है, मैंने टूट टूट कर अपने को बचाया है, मेरी हथेलियों के बीहड़ में तुम्हारे होने की हरियाली ही मुझे मुरझाने नहीं दे रही है। एक कविता है मन। इसमें एक इसको लिखते हुए
एक जाहिर है पंक्तियाँ आती हैं तो बड़ा मोह उपजता है कि ये तो होने चाहिए। जैसे मुझे सोच के लगा कि इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका मन टूटा हुआ नहीं हो। बिना टूटा हुआ व्यक्ति मुझे इस धरती पर लगता है कोई है नहीं। यदि वो तो पता नहीं, मेरी अज्ञानता होगी, लेकिन मुझे लगता है हम सब टूटा हुआ मन लेकर ही जीने के लिए विवश हैं, या मैं कहूँ कि जीते हैं। ये यही हमारी नियत है। बहरहाल मन हमारी आँखों में हमारे आंसुओं के यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं। सब एक दिन में तय नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक क्षण ही तय कर देता है अपने सब दिन। प्रेम में मन आगे आगे चलता है, फिर पांव पर पांव रखते चलता है तन। मन तन चलते हैं जब साथ, होने लगता है ऋतुओं का अलंकरण। टूटने में मन से अधिक नाजुक कुछ नहीं है, टूटने में मन से अधिक नाजुक कुछ नहीं है। मन को जोड़ जोड़ कर ही जीते हैं हम अपनी आयु। सुना नहीं है आज तक कभी बिना टूटा हुआ मन है किसी के पास, देश देशांतर या पृथ्वी में कहीं भी। कितना अजब है, कितना अजब है यह कि टूट टूट कर मन मन को ही गढ़ता रहता है। एक कविता है घड़ी की चाबी। जरूरी काम धाम किया, तैयार होने बैठ गई तुम्हारे लिए। जरूरी काम धाम किया, तैयार होने बैठ गई तुम्हारे लिए। काजर आंज लिया, तुम्हारी प्री लाल बिंदी भी रख ली माथे पर। आलता महावर सब लगा लिया, लेकिन नहीं आए तुम। देर हो रही है, आने का कह रहे हो लगातार, लेकिन आए नहीं अभी तक तुम। इंतजार की घड़ी में भरती जा रही हूँ मैं चाबी। सिहर रहे हैं मेरी आत्मा के बीज। डर लग रहा है, बड़ा शहर है, आशंकाएं घेरती हैं मुझे। आ जाओ जल्दी तुम, आ जाओ जल्दी तुम। मैं अब दरवाजे पर भी खड़ी हो गई हूँ। मुझे लगता है कि प्रेम कविताओं में, अब बाकी तो किताब है ही, शायद अब प्रेम कविताओं को हमें विराम देना चाहिए और आगे कुछ एक कविता इसमें मैं यदि मिल गई तो सुनाना चाहता हूँ। एक कविता है अपना प्रेम। अपना प्रेम हंसी और आंसुओं से मिलकर बना है। अपना प्रेम हंसी और आंसुओं से मिलकर बना है, और इतना गृहस्थ कि अनुपस्थित नहीं हुआ कभी घर। अपना प्रेम हंसी और आंसुओं से मिलकर बना है, और इतना गृहस्थ कि अनुपस्थित नहीं हुआ कभी घर। अपने प्रेम में इतनी गहराई रही और विस्तार की, झगड़ा भी उसमें रह लिया। अपने प्रेम में इतनी गहराई रही और विस्तार की, झगड़ा भी उसमें रह लिया। कह लिया अपने आलोड़न आवेग में मन का मटमैला भी। देखता हूँ जब ऐसा प्रेम जिसमें इतनी लपट रही कि वह पकने से पहले ही जल झुलस गया, तब अपने प्रेम पर गुमान होता है। धाया धूपा, सहा पाला जाड़ा, घोर घाम, लेकिन छोड़ी नहीं अपने प्रेम ने हरियाली।
अपनी आत्मा के कपास से बनी अभी भी, अपनी आत्मा के कपास से बनी अभी भी कोई कच्ची डोर ही अपने प्रेम को पक्का किए हुए है। ये भी सुनाना चाहता हूं, उच्चारण, मेरे उच्चारण में अशुद्धियां ही अशुद्धियां, प्रेम का व्याकरण तो सधा ही नहीं मुझसे, चुंबन का उच्चारण इतना अशुद्ध किया कि तुम्हारे गाल पर होंठ के साथ लगा दिया लार भी, तुम्हारे बालों को सहलाते उलझा लिया उंगलियां, और यह तो हद ही हुई कि निगाह में भर ही रहा था तुम्हारी हंसी कि छलका दिया सहेजने से अधिक, हथेलियों के स्पर्श में भी मुझे रह गया स्पर्श अधिक लगता रहा, मेरी सांसों ने हमारे प्रेम का जो संगीत रचा उसमें आलाप का आकाश फैलना था और, लेकिन हर बार सांसों का उच्चारण द्रुत हो गया, जिसकी वजह से ही पीठ की पृथ्वी पर उंगलियों की छाप बांचने के लिए हथेलियों को दौड़ना पड़ता है बार बार, मुझसे नहीं सधा प्रेम का व्याकरण प्यार के उच्चारण में, मुझसे नहीं सधा प्रेम का व्याकरण प्यार के उच्चारण में, थरथराहट ने सारा सुख दिगंबर कर दिया है। इस तरह से अब प्रेम कविताओं से एक और कुछ, क्योंकि पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं, अर्पण जी ने कहा कि काफ़ी देर तक है तो मैं अपना लगा हुआ हूँ आप सबको तंग करने पर, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो जनसुलभ पुस्तकालय है वही जाने, मैं तो पढ़ता ही रहूँगा जब तक उधर से संकेत नहीं मिलेगा कि अब समापन की तरफ वो विराम लगे तब तक। एक कविता और इसी में खुल गई है और मैं चाहता भी था कि पढ़ूं, तो लिखनी चाहिए इसका शीर्षक है, लिखनी चाहिए प्रेम कविताएं क्योंकि वक्त की सांस में घटता जा रहा है प्रेम, लिखनी चाहिए प्रेम कविताएं क्योंकि वक्त की सांस में घटता जा रहा है प्रेम, चुभ रही है बिना प्रेम के धूप, नींद को आंख में दबा रही हैं पलकें, बिना प्रेम के बढ़ा हुआ है पलकों का बोझ हथेलियों में आंच सहेजने के लिए, लिखनी चाहिए प्रेम कविताएं धमनियों में बल के लिए भी, लिखनी चाहिए प्रेम कविताएं, लिखनी चाहिए प्रेम कविताएं क्योंकि भाषा में लोग अत्याचार भरे दे रहे हैं, लिखनी चाहिए प्रेम कविताएं क्योंकि भाषा में लोग अत्याचार भरे दे रहे हैं। बहरहाल आप शहद लिप से, मैं ये जो इसी के साथ संग्रह आया है लंबी कविताओं का, मैं चाहता हूं कि उसकी कुछ कविताएं आपके सामने रखूं। मैं अब अयस्क वर्णमाला से कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूं। बहरहाल जो नाम है, रूपम मिश्र जी का नाम दिख रहा था, बहुत अच्छी कवित्री हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझे सुन रही हैं, और जितेंद्र श्रीवास्तव जी जो बहुत अच्छे कवि हैं, आलोचक हैं, वो हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या तारामती मीना जी का नाम आ रहा है, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, और प्रज्ञा दीदी, रक्षा दीदी, ये सब तो हैं ही, ये सब कवि भी बहुत अच्छे हैं, और चूँकि मेरी बहनें हैं तो ये मुझे यथा समय तंग करती रहती हैं, तो आज मैं उसका बदला ले ही लेता हूँ अपनी बहनों से भी। एक ये कविता है, देशावरी शीर्षक है इसका, हमारे गांव में, हमारे जनपदों में कमाने जाते हैं, फसल की बोनी हो गई तो कमाने जाते हैं, ऐसा भारत में हर जगह होता है, तो मैं उसी से ये
कविता आपको सुना रहा हूँ, अयस्क वर्णमाला संग्रह से, जैसा पहले ही बताया, देसावरी शीर्षक से है। दोनों जूते सिरहाने रख वह आदमी सो रहा है, गंतव्य के स्वप्न देखते सो रहे हैं उसके पांव। दोनों जूते सिरहाने रख वह आदमी सो रहा है, गंतव्य के स्वप्न देखते सो रहे हैं उसके पांव। आदमी के सिर की गर्माहट से जूते भी सो रहे हैं, आदमी के सिर की गर्माहट से जूते भी सो रहे हैं। जूतों को अपने पांव का पूरा अनुभव है, लेकिन सिर के अनुभव से गुजर रहे हैं वे पहली बार। दिसावर से कमा धमा कर लौटता थका हारा वह आदमी सो रहा है अपनी ट्रेन के इंतजार में। ट्रेनें आ रही थी जा रही थी, भोर में आनी है उसकी पैसेंजर ट्रेन, जो है बेहद धीमी रफ्तार की गाड़ी, लेकिन वही तो जोड़ती है उसके गांव से उसे। अपने जूतों को फिरहाना बनाए वह आदमी सो रहा था, सपनों के रास्ते से आ आकर बीच बीच में उसके पांवों को गांव की गलियां गुदगुदा गुदगुदा कर हो रही थी खूब खुश। आदमी उठ चुका है, अपनी गर्दन सीधी कर चुके हैं जूते, आदमी उठ चुका है, अपनी गर्दन सीधी कर चुके हैं जूते। पैसेंजर ट्रेन ने पकड़ ली है उसके गांव की दिशा, ट्रेन से उतर जूते चलने के संगीत में हैं। जानी पहचानी पगडंडियों की पूछते हुए कुफल क्षेम, ट्रेन से उतर जूते चलने के संगीत में हैं। जानी पहचानी पगडंडियों की पूछते हुए कुशल क्षेम, दिखने लगा है अब घर कुछ ही क्षणों में। दूर से पिता को आते देख पिता के कंधे से ललक का झोला उतारने के लिए बिटिया को अब दौड़ पड़ना है। एक कविता है बांस, हमारे कुछ मित्रों ने, इंदौर के मित्र हैं प्रदीप जी, उन्होंने अपनी आवाज़ में इस कविता को बहुत खूबसूरत पाठ किया था, बल्कि मुझसे इतना अच्छा नहीं आता जितना प्रदीप कांत ने किया था, तो उनको मैं इस अवसर पर याद भी करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कविता है बांस। बांस में सूरज अपनी आग रखता है, बांस में सूरज अपनी आग रखता है और बांसुरी अपनी सांस। वनस्पति शास्त्र बांस को सबसे ऊंची घास कहता है, मैं रहवास कहता हूँ बांस को। घर बांस का, बांस के बर्तन, बांस की लाठी, यह काया भी बांस ही चढ़ेगी अंतिम बार। प्रीत में झूमा झटकी करते फांस भी गड़ी तो वह भी बांस की। स्मृति में गड़ती है जो पोर पोर अपने आसमान में, बांस भर चढ़ गया सूरज। स्कूल जाने के लिए ऐसे ही जाना समय, थोड़े से कुछ हकलाते कांपते शब्द भी लिखा तो कागज बन, बांस ने ही दी उन्हें जगह। चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है अब न चूक चौहान। चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है अब न चूक चौहान। कहते हुए इतिहास में बांस का सबसे बेथक प्रयोग चंदवरदाई ने किया, बापू की लाठी भी थामे हुए है अहिंसा का ध्वज और बनी हुई है जीवन की एकदम सही दिशा। बांस वह जो अंधेरे में सहारा बने, छप्पर बने छाया के लिए और फोड़े नहीं किसी का कपार। मैंने भाषा के गुरुकुल में ही जाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी ताना साह का गढ़ा हुआ मुहावरा है हर हमें थूकता रहता है, जिस पर
न्याय प्रिय। डॉक्टर रश्मि झा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरी कविताएं पढ़ती रहती हैं और उनका स्नेह भी मुझे मिलता है। नारायण व्यास जी हैं, पुरातत्वविद हैं, वो दिख रहे हैं मुझे, मेरी कविता के प्रेमी हैं। जब मैंने भीमबेटका पर काम किया तो उनकी आत्मीयता मुझे मिली थी और भीमबेटका पर काम करते हुए उनसे बहुत सहयोग मिला था, मदद मिली थी, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। वो हैं इसके लिए बार बार धन्यवाद। रश्मि झा भी जो डॉक्टर हैं लेकिन इतनी अधिक कविता और कला प्रेमी हैं कि उनका होना सचमुच में हम सबको संबल देता है। हमारे भारत भवन के परिसर में भी उनकी बहुत जीवंत उपस्थिति रहती है, तो मैं डॉक्टर रश्मि झा के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मुझे लगता है कि एक कविता इसी संग्रह की सुनाई जाए। मेरे मित्र हैं अर्पित अमित गोस्वामी, वहाँ बीकानेर के हैं और बहुत अच्छे सरोद सितार के वादक हैं दोनों भाई। उनको हमने ये कविता कभी फेसबुक में लगी तो उनको बहुत प्रिय थी, अब हमने कुछ अंश भी उस पर लगाए थे तो हमने समर्पित की है और आज भी मैं उनको इस अवसर पर उनके समर्पण को याद भी कर रहा हूँ। संतरा। संतरा सूर्योदय का सहोदर है, संतरा अपने स्वाद से अधिक महक में घेरता है हमारे भीतर जगत और रखता है हमें पूरम पूर मोहाविष्ट। संतरा ऐसा फल है जिसे बड़े अदब से छूना और छीलना होता है, जाहिली से संतरा को छीलने से उतर जाती है रस की रंगत और खट्टा हो जाता है सुगंध का मन। संतरा कोई और छीले तो अधिक मिलता है हमें महक का मन। संतरा छीलते से ही आज मिला मुझे अपने युवतर समय का अपना मासूम प्रेम। महक जाती थी जिससे हमारी हथेलियां, होंठ पर रखी वह फाक या कली आज भी कितना गूंगा करती है मुझे। वो होंठ भी संतरे की फाक की तरह थे जिनका बोला सुनकर होने लगती थी मुझे गुदगुदी और तेज हो जाती थी फेफड़े में सांस। छुपा कर खाए जा सकते हैं और फल, लेकिन संतरा तो अपनी बनक में ही मिल बांट कर खाने की चीज है। वैसे भी चीजें मिल बांट कर खाने से मिलता है मजदूर किसान की मेहनत को मान। हम बच्चों के लिए चोरी कर खाने में संतरा हर हमेश रहा है बड़ी चुनौती। स्वाद से काफ़ी अगड़ कर चलती है संतरे की खुशबू, संतरे की गमक से ताजी होती है हमारे फेफड़े की तलब और सांस रच देती है नारंगी खुशी। गहरी प्रतीक्षा के बाद छांव में बैठकर खाए संतरे के आस्वाद में डूबे जेहन और जबान पृथ्वी को फल में सोचते हैं। बहुत सारी लंबी कविताएं हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कि उनको पढ़ने की नहीं, काफ़ी देर भी हो रही है। मीता पंडित जी हैं, बहुत श्रेष्ठ गायिका हैं और सुन रही हैं, बहुत धन्यवाद मीता जी। मैं आपको नमस्कार तो करता ही हूं, कृतज्ञ हूं, आपके गायन का मुरीद हूं और जिस तरह से आप मेरी कविताओं को अपनी आत्मीयता देती हैं उसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। घुटना यह कविता है। घुटना हमारे चलने का पहला रियाज है, घुटना हमारे चलने का पहला रियाज है। आंगन में पगडंडी बनाने की शुरुआत घुटने से ही होती है। चलने को बहुत नेह देती है पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी की देह में है हर घुटने की गुदगुदी। चलने को बहुत नेह देती है पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी की देह में है हर घुटने की गुदगुदी। घुटने में इतना दिमाग है कि
कि झेल जाता है सारी देह का वजन। दुनिया में कहीं भी हो मनुष्य, चलने की पहली भाषा घुटने से ही फूटती है और फिर घुटना ही संभालता है। चलने की लय ताल दिन के पैरों में भी लिखी मिलती है, घुटनों की धीर धुन हमारे महाकवियों लोक गायकों को भी घुटने ने ही किया है बहुत मोहाविष्ट। राम और कृष्ण के घुटरुन चलने के पदों से भरे हैं हमारे लोक कंठ। घुटना चलने की तरफदारी है, एक अर्थ में जूझने की भी, इसीलिए जब कोई घुटना टेक देता है तो उसकी पूरी जीवन यात्रा पर लगता है गहरा दाग धब्बा। चलने में सबसे अधिक वरिष्ठ और अनुभवी है घुटना, इसीलिए करता रहता है वह हमारी यात्राओं की परवरिश। जब भी पांव पकड़ता है गलत राह, घुटना होने लगता है हताश उदास और बिगड़ जाता है चलने का संतुलन। घुटना जरूरतों का भी प्रबल हिमायती है, तभी तो वह हमेशा मुड़ता है पेट की ही तरफ। घुटनों ने ही रचे हैं हमारी यात्राओं के सारे स्वप्न और खुद चल चल कर हुए हैं स्याह। बचपन की हमारी पृथ्वी भी अपनी परिक्रमा घुटने से ही पूरी करती है। धन्यवाद संतोष अलेक्स जी, आप एक खूबसूरत कवि होने के साथ साथ एक ऐसी भाषाओं की सेतु हैं जिसके लिए मैं विशेष तौर पर आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हिंदी का रचना संसार आपके प्रति सचमुच में ऋणी भी है और कृतज्ञ भी है। आपने बहुत सारा ऐसा उपकार किया है अनुवाद के माध्यम से जो हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। एक कविता है अंधेरा। अंधेरा को हम सब अधिकतर इतना ज़्यादा नकारात्मक अर्थ में लेते हैं और हमारे एक महाकवि ने अंधेरे में शीर्षक से कविता ही लिखी, एक बड़ा रूपक बिंब उसको बनाया और सचमुच में एक महान कविता उन्होंने हमें दी। मुझे लगा कि उसके कुछ चलिए सकारात्मक पक्ष को टटोला जाए कविता में, तो मैंने कुछ कोशिश की है। अंधेरा, सबकी नींद के लिए रात भर दौड़ता है अंधेरा, सबकी नींद के लिए रात भर दौड़ता है अंधेरा, जहाँ तक जाता है वहाँ से लौटते लौटते हो जाती है उसे सुबह। बेहद दुखी हो जाता है अंधेरा, कर लिया जाता है जब हत्या बलात्कार चोरी चकारी के लिए उसका इस्तेमाल। अपने गलत इस्तेमाल पर हर हमेश सख्त एतराज करता है अंधेरा, और मेहनत कस के सपने और नींद बचाने के वास्ते ही लगाए रखता है वह अपना सारा ध्यान। मन में यह न पालते हुए कि जब तक उसे कहा जाता है काला कलूटा और विद्रूप में उपमा रूपक बिंब बनाकर बदनाम किया जाता है उसे बहुत देर सांझ, जब अपने ओसार में कोई स्त्री अपने दर्द गाती है, अंधेरा सुनता रहता है द्रवित मन और दुख को उस स्त्री की नींद में खलल डालने से रोकता है। अपनी छाया निगाह से ही अंधेरा फैलता है दिशा दिशांत, अपनी छाया निगाह से ही अंधेरा फैलता है दिशा दिशांत। एक गोलार्ध का काम पूरा कर दौड़ पड़ता है वह दूसरे गोलार्ध। अंधेरा छाया मन है, जीव जगत के सुकून और विश्राम के लिए बहाता हुआ पसीना लगातार अंधेरे की शुभेच्छा में शामिल है। नींद में शिशुओं की किलक और खिलखिलाहट, दो सोई पत्तियों के बीच नींद के माफिक सारी कोमलता अंधेरे की ही होती है। मैं अपने कुछ स्क्रीन पर दिखे भी हैं
अपने मित्रों को धन्यवाद करता हूँ। मणिमोहन हैं, आशुतोष दुबे हैं, गीत चतुर्वेदी हैं, मनोज कुमार झा हैं, हितेश कुमार सिंह हैं, आनंद कुमार सिंह हैं, इन सबको मैं इसलिए याद करता हूँ। अनीता सिंह जी दिख रही हैं, मैं धन्यवाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये सब था, मैं डरा हुआ था, तो जो बीच बीच में बात होती है, तो ये सब मुझे बहुत संबल देते रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको विशेष तौर पर इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारा मैं उनका समय ही बर्बाद करता हूँ कविता पर बात करते हुए अपनी छोटी मोटी बुद्धि से, और वो सब हमें सहते हैं अपनी सहिष्णुता से, इसलिए उनको इस अवसर पर मैं धन्यवाद मैं कहूँ, इससे मुझे अच्छा लगेगा। मीना बुद्धि राजा जी दिख रही हैं, मैं उनका भी शुक्रिया कहना चाहूँगा, मेरी कविताओं के प्रति, मेरे प्रति हमेशा उदार मना रही हैं, और बहुत बेहतर भाव उनका मेरे प्रति रहा है, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अब मैं थोड़ा लंबी कविताओं की तरफ मेरा जाने का मन है, आप लोग बर्दाश्त करिएगा। एक थोड़ी सी लंबी कविता है, लेकिन मैं सोचा कि उसको यहाँ पढ़ूं। उसके पहले मैं एक कविता अपने कथाकार मित्रों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। उस कविता का शीर्षक है कहानी का एक पात्र। दरअसल राकेश भैया हैं, मनोज हैं, सविता पाठक जी हैं, उनके पतिदेव जिनने कबीर तखल्लुक ना रख रखा है, उनको, इन सबको मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके बहाने कहानियों पर वंदना राग जी हैं, मनोज कुमार पांडे से का उल्लेख भी किया, और ऐसे अनेक हमारे तरुण भटनागर जी हैं, हरी भटनागर जी हैं, इन सब को लेख, इन सब के साथ कहानियों पर बात करता रहा, और यहाँ भोपाल में जिनने मुझे मेरे कवि को मंच देने में बहुत आत्मीयता दी, बहुत उदारता दी, संतोष चौबे जी हैं, महेंद्र गगन हैं, मुकेश वर्मा जी हैं, बलराम गुमास्ता जी हैं, इन सब ने हमारे कवि को जो मैंने शुरू किया, आग्नेय जी हैं, भगवत रावत जी हैं, कमला प्रसाद जी हैं, इन सबको मैं आज, चूँकि ये सार्वजनिक पाठ है, तो मैं कृतज्ञता प्रकट करना, ये कृतज्ञता प्रकट करने से सचमुच में मैं अपनी आत्मा में हल्कापन महसूस करूँगा, और जो यहाँ वरिष्ठ कवि भगवत रावत रहे, विनय दुबे रहे, जो अब हमारी स्मृति में हैं, उन्हें बहुत स्नेह दिया, कमला प्रसाद जी ने बहुत स्नेह दिया, अभी जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं राजेश जोशी जी, रमेश चंद शाह जी, इन सब की आत्मीयता मुझे मिली, आलोचक हैं विजय बहादुर जी, इन सब का स्नेह मुझे मिलता रहा, तो मैं सबके प्रति, हम उम्र जो कवि कथाकार हैं, उर्मिला सिरीस जी हैं जो हमेशा, अभी मेरी किताबें आईं और उन्होंने हमें फ़ोन किया है सुबह कि चलो कभी इन किताबों पर मैं बातचीत रखना चाहती हूँ, तो इन सब का स्नेह मिलता रहा, इसलिए इस सार्वजनिक मंच पर मैं कविता पाठ के साथ मैं अपनी कृतज्ञता भी बार बार दोहराना चाहता हूँ। दरअसल पता नहीं, मैं नहीं जानता, मैं बहुत गुटबंदियों में नहीं पढ़ता, इस चीज़ को पता नहीं कौन कैसे लेता है और इसके लिए स्वतंत्र भी है, लेकिन मैं उन नामों को बार बार कहना चाहता हूँ जिससे मेरा कवि तो समृद्ध होता ही है, मैं सचमुच में जो टूटा फूटा मनुष्य भी रह सकता हूँ, तो इन सब का योगदान होता है, जो तमाम संगीत के क्षेत्र के लोग हैं, चित्रकला के, शिल्प कला के, देवीलाल पाटीदार जी का नाम ले लूँगा, अखिलेश जी का, भट्टी जी का, यूसुफ जी का, इन पर चित्रकला पर बहुत बात की और उससे एक समझ भी बनी, भीमबेटका पर जा काम किया तो उस काम में बहुत मदद मिली, तो कविताओं के साथ साथ इन चीज़ों को भी मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं आप इस मेरी इन इस मनोदशा को से सहमत होंगे या नहीं, लेकिन मैं आप सब के बड़प्पन
को मान कर कि आप सबका बड़प्पन और स्नेह मेरे प्रति, इन चीज़ों को मैं कहना चाहता हूँ। और भारत भवन में होने के नाते जिन लोगों का भारत भवन में हमारे जो स्टाफ के लोग रहे, हमारे अधिकारी रहे, वहाँ होने में हमें जिनने मदद की है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे मित्र हैं पंकज चौधरी, राहुल राजेश, ये सब लगातार कविताओं पर बात करते रहे, लिखा भी इन लोगों ने। और मेरे भाइयों, चूँकि किताबों पर ऐसी चर्चा न के बराबर है, तो सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ हमको जगह दी, हमारी किताबों की चर्चा होने लगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अभी पिछले 2-3 संग्रह नाम लूँ तो उनकी कभी कोई समीक्षा भी हुई होगी, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं जिनने इस काम को आगे बढ़ाया है, उसको मैं उसमें अरुण देव को, राहुल राजेश को, पंकज चौधरी को, ओम निश्चल भैया को, इन सब को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि उन सब की, वो सब मुझे सुन भी रहे होंगे, उनका स्नेह भी मुझे मिल रहा होगा। मैं अभी जो बहुत सारे युवतर हमारे लेखक मित्र हैं, कवि मित्र हैं, उनको भले मैं नाम न लूँ, लेकिन उनके प्रति मेरा स्नेह, आत्मीयता और अपनापा लगातार है। और मेरी ये हमेशा कोशिश होगी कि मेरे जीवन में ये चीज़ें निभ जाएं। बहरहाल, अपने कथाकार मित्रों के लिए कहानी का एक पात्र शीर्षक मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। कहानी का एक पात्र झगड़ रहा है 3 दिन से मुझसे। कहानी का एक पात्र झगड़ रहा है 3 दिन से मुझसे, कह रहा है बिना उससे पूछे क्यों लाया मैंने कविता में उसे, और कविता में लाकर क्यों बदल दिया मैंने उसका नाम। वह झगड़ रहा है 3 दिन से मुझसे, अभी अभी बोल कर गया है कि मरता खपता रहा है रोजी रोटी के लिए वह, जैसे कि मर खप रहे हैं देश दुनिया के करोड़ों करोड़ लोग, लेकिन मैंने नहीं किया उसके इस जीवन का कविता में तनिक भी उल्लेख। कितने धोखे खाए उसने, सहे कितने आघात अपमान, महामारी से भी मरते मरते बचा है वह एक बार। यह बातें भी नहीं आ पाई हैं कविता में, जबकि बात लाने की ही तो जिम्मेदारी है कविता की। तुम कैसे कवि हो कि छोड़ दियो हो कविता के बाहर मेरे इतने सारे दुख तकलीफ, मेरी उम्र का कितना ही अनकहा नहीं कह पाए हो तरतीब से तुम, यही कह कह कर हो रहा है वह मुझसे बेहद खफा। घर गांव छोड़कर कितनी मेहनत मशक्कत से शहर में रोपे उसने कैसे कैसे तो अपने पांव, ठसक से जूझना पड़ा कितना उसे चुप्पियों की मार से, कैसे बच सका वह षड्यंत्रों से उबरने में, खर्च हुई कितनी उसकी सांस बाजारूपन के खिलाफ, सहेज सका कैसे वह अपना आत्मबल, यह सब धरा है उसकी उम्र के माथे पर साफ साफ। लेकिन कविता में अदेखा रह गया है मुझसे यह, जिससे है वह अत्यधिक नाराज। मनुष्यता के प्रति हृदयों में आ रही लगातार गिरावट पर देर तक करता रहा वह मुझसे बहस। महामारियों के खतरे धरती के उजाड़ पर तथ्यात्मक ढंग से बहुत देर तक कहता रहा वह अपनी बाजिब चिंताएं, मेरी कमियों को गिनाते हुए फिर तुनक कर उसने कहा, निकालो मुझे अपनी कविता से तुरंत बाहर, कहानी में भी अपने चरित्र चित्रण से संतुष्ट नहीं हूँ मैं, कहानी से भी बाहर निकालने के लिए मैं जल्दी ही कहानीकार से बात करता हूँ। इस तरह से ये कविता है। इसी बीच इसको पढ़ते हुए मेरे कहानीकार मित्र उपासना नीरव और नवनीत नीरव की भी बात आई, वो मेरी कविताएं पढ़ते रहे हैं और मुझे पढ़ पढ़ के वो बताते भी रहे हैं अपनी पसंदगी, तो उनके प्रति भी मैं आदर प्रकट करता हूँ। संदीप नाइक जी मुझे दिख रहे हैं, श्रीधर दुबे भैया दिख रहे हैं। संदीप नाइक जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, यह विकल यात्री
मेरा बहुत अच्छा मित्र है और बहुत अच्छे कवि हैं। खास तौर पर इन्हें जो संगीत पर कविताएं लिखी हैं, पूर्वग्रह पत्रिका का संपादक होने के कारण मुझे यह ऑफर मिला है, यह सुयोग मिला है कि मैं उनकी कुछ संगीत पर कविताएं छाप पाया। और अभी आगे आने वाले अंक में मैं छापना भी चाहता हूँ। कुछ कविताएं हैं उनकी हमारे पास। श्रीधर दुबे जी बहुत अच्छे कवि हैं और उनकी भी आत्मीयता मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। एक संदीप नाइक के साथ मैं अपने जो यहाँ देवास भी एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे लेखक मित्र बहुत सारे हैं, एक लेखकों का जत्था है वहाँ, उन सब के प्रति मैं इस पर अपने इस पाठ के दरमियान धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वो चाहे बहादुर पटेल हों, चाहे देशमुख मैडम हों, और चाहे फुगाटी का जूता का कृतिकार हो, सबके प्रति मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अमेकांत है जो हम सबसे युवतर कवि, मैं उसे कहूँगा जूनियर है, बहुत खूबसूरत है, उनके पिताजी भी हैं, ये सब मिलके, और वहाँ कुछ चित्रकार मित्र भी हैं, सबके प्रति भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और इस सब के साथ एक कृतज्ञ मन से, जो वहाँ एक आश्रम है गायकों का, दो गायक कलाकार वहाँ हैं, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद, पंडित कुमार गंधर्व की सुपुत्री कलापिनी जी और उनके नाती, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये और उन लोगों ने भी मेरे फेसबुक पेज पर आते रहे हैं और मेरी कविताएं पढ़ते रहे हैं और अपनी पसंदगी का इजहार भी करते रहे हैं, इसलिए मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। थोड़ा सा एक लंबी कविता और मेरे ख्याल से यह अब समापन है। आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा है और ये समापन इसी से करूँगा। यद्यपि अर्पण कुमार जी ने कहा था कि मेरे जो सात संग्रह है सभी से कुछ कुछ कविताएं सुनाऊं, लेकिन अब मुझे लगता है लंबी कविता है, लगभग 10 मिनट की कविता होगी और इसी से समापन कर लेना मुझे उचित जान पड़ता है। और कुछ ऐसे योग फिर बनेंगे, फिर आप लोगों को तकलीफ दूंगा। तो अभी उस कविता का शीर्षक है रोटी एक फूल है। दरअसल हमारे महाकवि मुक्तिबोध ने एक बड़ा खूबसूरत शब्द कहा है, सभ्यता समीक्षा। तो यह रोटी एक फूल उन्हीं के तर्ज पर या उन्हीं के इस शब्द पद कह लें या वाक्य पद कह लें या शब्द युग्म कह लें, ये एक तरह का जीवन पद मैं इसको मानता हूँ, इस कविता को अपनी दृष्टि में। उसको उस पर किसी को एतराज है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ये कविता है रोटी एक फूल है। रोटी एक फूल है जिसे आग में फूलना होता है। रोटी एक फूल है जिसे आग में फूलना होता है, बिना जले बचाते हुए अपनी गंध खूब फूल रही है रोटी, सोच सोच कर कि पूरमपुर भूख से उगी भेंट, तगड़ी मेहनत के बाद जितनी गहरी भूख होती है उतनी ही बड़ी होती है रोटी की संतुष्टि, कौर या निवाला बनते हुए रोटी के भीतर बढ़ जाती है मिठास, रोटी की जीवन में इतनी जगह कि जब मेरी नौकरी लगी तब माँ ने कहा कि मेरी रोटी लग गई है और अब मैं भूखा नहीं फिरूंगा, काज ब्याह में भी नहीं रहेगी कोई अड़चन। अंगार पर टहलती रोटी समय के अंगारों पर हमें चलने की देती है सूझबूझ, आग की दरिया में तैरती रोटी ही जानती है पेट की आग का रहस्य। तुलसी बाबा ने ऐसे ही नहीं लिख दी है यह पंक्ति, आग बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की, रोटी का गणित बिगड़ने से खुल जाते हैं दिल दिमाग के सारे जोर। रोटी तोड़ना निकम्मेपन का मुहावरा है, इसीलिए रोटी केवल परिश्रम की तरफदारी है,
जो काम धाम नहीं करते, बैठे बैठे खाते पगुराते रहते हैं, और निकल आता है उनका बड़ा पेट व्यंग में, लिधा कहता है उन्हें हमारा लोक। पिता ने कभी कुछ नहीं कहा विशेष, सिवा इसके कि मेहनत ईमान से ही कमाना रोजी रोटी, और छीनना नहीं कभी किसी का अन्न जल भोग। रोटी को जितना सम्मान देती है उतना ही रहता है रोटी का मन मीठ। रोटी पर आग ने अपने जो निशान छोड़े हैं, रोटी उसे अपना अलंकार कहती है। रोटी को पकाने में ही सबसे अधिक लगता है आग का मन, आँच बेहद खुश होती है, उठती है जब उसके भीतर रोटी की गंध। मुँह लगी यह रोटी कौर उठाने के वजन से ही जान लेती है हमारे दिल का सारा हाल चाल। जीवन में यदि रोटी पानी का इंतजाम रहता है, मनमाफिक कर पाते हैं हम लिखने पढ़ने का काम। कितना मार्मिक है बाबा तुलसी की यह पीड़ा, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन से कहाँ जाए का करी। देखा जाए तो कितने लोग हैं जो अपना घर गांव छोड़कर रोटी के लिए चले जाते हैं देसावर। आज भी हमारे समय की बेधक समस्या है नहीं रहना कामगारों के हाथ में काम में। जिस तरह से समंदर पार तक हाँके गए हमारे पूर्वज, निचुड़ता है हमारा कलेजा। सूक्ष्मता बोध ही है इसमें कि तू अपने को पीस पीस कर पिसान कर ले, फिर रोटी जितना जरूरी और महान कर ले। रोटी में अनूठी अन्न धूप होती है, कितनी भी अंधेरी रात में खाओ भीतर फैल जाता है स्वाद का उजाला। घर में कितना सुनता या देखता रहा हूँ, तुम्हारी छोटी काकी गूंथती है बहुत अच्छा आटा। रोटी बेलने में बड़ी बुआ जितना नहीं है कोई होशियार। आँच का ताव दादी से अधिक नहीं जानता कोई और, ज़्यादा परथन लगाने पर बहनों को कैसे आँख तरेरती है मेरी माँ। नानी डांटती रही है यही कह, रोटी में गुण लगता है बेमन से नहीं छूना चाहिए पिसान। हम बच्चों को मनहार के साथ खिलाने के लिए यहाँ बरवस ही याद आ रहा है बड़ी माँ का वह गीत, तात तात रोटी जोड़ जोड़ घ्यू, खाए मोर लल्ला जुड़ाए मोर जीव। आज भी मेरी भाषा की बोलती बंद हो जाती है याद कर यह दृश्य कि माँ कैसे हम भाई बहनों को सारी रोटी परोस पानी पीकर सुला देती थी अपनी भूख, और किसी गीत की मीठी लय से बांधे रखती थी हम सभी का मन। इस तरह सोचता हूँ रोटी एक पूरी संस्कृति है जिससे कविता अर्जित करती रहती है अपने लिए बहुत सारी भूख सवाल और संतुष्टि। हमारे लोक में भात रोटी जोड़ने का मतलब अपनापा जोड़ लेना या भाई जोड़ लेना होता है, हो जाता है इसी तरह स्वजन परिजन का भी विस्तार। जिन घरों में हमारी बुआ या बहनें गई हैं, बड़े पिता कहते पूज्य हैं हमारे वह, रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा, कमतर नहीं होने देना उनके लिए अपने मन में सम्मान। माँ बहनों पत्नी बेटियों के हाथ की भाजी रोटी और खिलाते समय की ममता करुणा खुले हाथ खर्च करता रहता हूँ कविता में मैं। जौ गेहूँ चना की एक साथ बनी रोटी अन्न संधि है, जीवन भी तो सुंदर संधियों का समुच्चय ही है। जब यह संधियाँ टूटती बिखरती हैं जीवन में कम होने लगता है हमारा हिंदुस्तान। घर आए अतिथि को रोटी पानी देने की सदिच्छा हमारे जनपदों का बड़प्पन है। टिक्कड़ अंगाकर भाखर चपाती फुलके रोट जुरीमा लिट्टी बाटी सुहारी गाट तंदूरी मिस्सी रूमाली पनहथी पूरी पराठा इत्यादि न जाने कितनी रोटी की ही संज्ञाएं हैं, इनके बनाव की क्रियाएं भी हैं बहुत मज़ेदार। स्वाद तो है ही इनका अपना विशिष्ट। ठंड के दिनों में आंगन में बाबा खाते हैं जब भाजी रोटी, सूरज भी लग जाता है थाली में उनकी और भर पेट खाकर ही जाता है अपने आसमान।
ध्यान से निहारो सूरज का चेहरा, रोटी पानी खाया हुआ कितना संतुष्ट लगता है। कुछ वाक्य याद कर छूटती है आज भी हंसी, जैसे यही कि परदेश के होटल या कैंटीन में काम करने वाले लड़के गांव लौटने पर बुजुर्गों को भरमाने के लिए क्या काम करते हो बेटा के जवाब में कहते, धुआंधार कंपनी बेलन डिपार्टमेंट में काम करता हूं बाबा। सुनिया बुजुर्गों को हो जाता विश्वास कि लड़का पा गया है किसी बड़ी कंपनी में काम, और हो रहा है इससे पूरे गांव जवार का नाम। इस चाल ढाल को कविता पाठक की हथेली पर रख बढ़ती है आगे सोचते हुए रोटी की कविता में। रोटी जैसी ही गोल मटोल होना चाहिए कविता की लय, कविता को पकाना चाहिए रोटी की तरह, कवि को दे देकर अपनी पूरी आँच। रोटी रोटी बारहमासी फूल है जिसे आग में फूलना होता है, इसीलिए रोटी गंध को फहेजने की कविता को अपनी जिम्मेदारी लिए ही रहना है और कहना ही है अपनी हर आवृत्ति में रोटी का संघर्ष। रात में पाही के खेत में खाते हुए टिक्कड़ और आलू का भुरता एकाएक मुझे याद आई बानगार की महान पेंटिंग पोटैटो ईटर। इस पेंटिंग की आलुओं का कोयला माजता रहता है हमारी संवेदना और भूख के कितने सारे वृत्तांत। सीता की रसोई में राम की रोटी जितना फूलती, महाकाव्यात्मक सुगंध से पूर जाता सीता का मन। राम खाते रहते और सीता की आंखों में डबडबाती रहती तृप्ति। कविता कहाँ था पाई जानकी के कलेजे की गहराई, निरपराध परित्यक्त जानकी महाप्रश्न है जिसके उत्तर का सोच कविता की धिक्की बन जाती है। यद्यप कविता के कलेजे में ही है जानकी के अपमान और पीड़ा का पूरा पर्यावरण। तमाम मुश्किलों में विधा अब जब मैं रोटी लिख रहा हूँ, कागज के आसमान में मालूम हो रहा है मुझे आटा दाल का भाव। कितनी तड़क भड़क है दुनिया में, चकाचौंध फैलाई जा रही है चमोर, ऐसे में रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए बिलखते बिलबिलाते बच्चे हमारे समय के बहुत बड़े सवाल हैं, खींच रहे हैं वह हमारी भाषा का चीवर, और मुझे सूझ नहीं रहा सांत्वना का कोई भी शब्द। आप इन्हें सोमालिया काला हांडी कुछ भी कह सकते हैं, भूखे बच्चों की आंखों में जो प्रश्न है उसका उत्तर बहाना नहीं है। ओला ओला पाला जाड़ा सूखा अतिवृष्टि महामारी, महंगाई और कर छीनते हैं जब खेतिहरों की रोटी। अपने जीने के रास्ते बंद देख हिम्मत हार, खुद को मारने लग जाते हैं जब खेतिहर खुदकुशी की ऐसी खबरों से जिंदगी के उजले इलाके में छा जाता है अंधियार। ऐसे में अपने बेबसपन पर सूखी आंख रोती है कविता, फिर चीख चीख कर कहती है जीवट लो जब अपना हौसला हार जाते हैं। जिंदगी के लिए यह बहुत भयानक खबर होती है। महानगरों की लोभी लालची वृत्ति ही है कि सिकुड़ रहे हैं हमारे खेत खलिहान उजाड़ कर अपना कब्जा जमा लेने का हो चुका है महानगरों का चरित्र। इस तरह की प्रवृत्तियों से हर हमेश खेतिहर मजदूरों की रोटी ही उठाती है नुकसान। रोटी का विकल्प रोटी है। पेट खाली हो और दिमाग में चढ़ जाए रोटी, सबसे खतरनाक होता है तब रोटी का विस्फोट। किससे कहानियां सुनते हुए मुझे ईसाइयत की कथा में एक पवित्र रोटी मिली और खुश हो गया मैं। फिर खुश मन मैंने आगे लिखा, हर रोटी पवित्र है जो लहू बनकर दौड़ती है हमारी धमनियों में खूब। हमारी हड्डियों को भी बनाने में रोटी की ही मेहनत है जी तोड़। थाली में परोसा खाना छोड़ देने पर 65-66 की कंताल में बुरादा मिला आटा खाने का शिकायती जिक्र आंखों में आंसू भर कर करती थी मेरी बड़ी माँ। तब से रोटी का छोटा टुकड़ा भी फेंकते मुझे डर लगता है। अजाने शहर में रोजी रोटी के लिए जब हम भूखे भटकते
बचपन की पोटली में रखी माँ की रोटियां याद करने से मरने से बचती रही है हमारी भूख। रोटी भूख की कविता है, जिसे मिल जाती है वह गाता है, जो रोटी नहीं पाता है वह भूख में कितना छटपटाता है। भूख के भूगोल में रोटी का ही रकवा है सबसे बड़ा, आप कौर तोड़ते हैं और खुश हो जाते हैं खेत खलिहान। तुक में ही तो कहा था अनुभव अनुस्यूत उस बुजुर्ग ने, हमारे जनपदों का दिन फिर जाए, हमारे जनपदों का दिन फिर जाए, बिना रोए यदि 2 जून की रोटी मिल जाए। पूरी कायनात में रोटी का इतना दखल, रोटी में भी कितनी कायनात है, रोटी गोल है अपने लिए नचाती है बहुत। महंगाई की मेहरबानी कि दाल रोटी चलना नहीं रहा अब ठीक से गुजर बसर का मुहावरा, महंगाई तोड़ती है जब रोटी का मनोबल, रसोई उदास हो जाती है। रोटी जोड़ने का काम करती है, ऐसे में जो किसी के घर जलाकर सेंकते हैं अपने स्वार्थ की राजनीति की रोटियां, मुआफ कहाँ कर पाता है उन्हें हमारा जन समाज। धरती पर कोई भूखा सोता है तो शेषनाग के फन पर रखी पृथ्वी दुख से भारी हो जाती है, और मेहनत कस लोगों की रोटी मोटी और बड़ी होती है। खाए पिए अघाए हुए लोग कहाँ जानते हैं रोटी पानी का महत्व, रोटी भी कम जिद्दी नहीं है, उथली भूख में वह भी उतरती है फीके मन। मरने से बची रहती है भूख प्यास होता है जब रोटी पानी का उचित इंतजाम। किसी की रोटी बिगाड़ना हत्या की तरह देखता है जिसे हमारा लोग, आपस में भी रोटी बिगड़ जाए तो दरक जाते हैं रिश्ते नाते। चाहे हम दाल रोटी खाएं या साग रोटी या रोटी खीर अथवा रोटी कढ़ी, यह स्वाद संधि है जीव को जिसे कहने के लिए अपने भीतर विकसित करनी पड़ती है सांझी सोच। कितने दृश्य हैं भीतर कविता में उतरने को व्याकुल, जैसे यही कि पाही के खेतों में गेहूं की कटाई के समय पूरे गांव के चूल्हे नदी घाट पर साथ साथ जलते, किसी चूल्हे पर दाल पक रही होती, किसी पर तरकारी, कहीं रोटियां सिज रही होती। कितना उत्सवपूर्ण लगता था मुझे यह सब। यहाँ भोपाल में भी जनजाति संग्रहालय बनते समय सुबह शाम शिल्पियों कलाकारों कामगारों के चूल्हे साथ जलते और अन्नगन से जगमगा जाता पूरा परिवेश। संग साथ का यह रोटी पर्व बरवसी मोह लेता है हमारा मन। अपने मराठी मित्र के यहाँ खाई ज्वार की भाकर और चटनी दाल, मामी के हाथ की मकई की रोटी और पड़ोस के आदिवासी गांव में शहद रोटी खाना मेरी कविता की जुबान में शहद बचाता रहता है। रोटी का सबसे बड़ा रूप मलीदा है, हाथियों को खिलाया जाता है जिसे। इस तरह चींटी से लेकर हाथी तक हैं रोटी के तलबगार। मुझे मालूम है रोटी का इतिहास मनुष्य के इतिहास जितना है प्राचीन, लेकिन मैं रोटी के इतिहास की नहीं रोटी की कविता की बात करना चाहता हूँ, जो अपने खेत खलिहान चूल्हा चक्की की याद लिए हमारे पेट में पच रही है और हर दिन रच रही है हमारी आत्मा और शरीर। पाठ्य पुस्तक में चखी नजीर अकबराबादी की कविता की रोटियां लगती हैं हर हमेश जरूरी पाठ। रसखान की कविता का वह कागा हरी हाथ से ले उड़ा था जो माखन रोटी, मैंने उसे अपनी कविता में पकड़ लिया है, लेकिन निकला हुआ फिर बहुत चालाक। घई से पक कर निकली मेरी माँ की बनाई रोटी, लेकर उड़ गया वह फिर अपने आकाश। पुनः जिसे आगे अपनी कविता में पकड़ेगा हमारा ही समान धर्मा और कोई युवा कवि। फूली हुई रोटी ही तो है यह चांद, फूली हुई रोटी ही तो है यह चांद, अचानक उड़कर पृथ्वी से चला गया है जो आसमान। जिस दिन किसी भूखे बच्चे के आ गया हाथ, उसी दिन इस सबसे बड़े सर्जक ने रोटी की तरह ही
बनाई होगी पृथ्वी, बेल कर गोल मटोल, फिर आग पर रख फुला दिया खूब, बेल बेल कर स्त्रियां भी रोटी की गोलाई। रोटी में कितना आत्मीय संबंध है, भाइयों के आपसी विवाद में जब हिस्सा बांट हो जाता और गांव के बाहर का कोई व्यक्ति घर आने पर पूछता, क्या अलग अलग हो गई है आपके यहाँ सब भाइयों की रोटी, हाँ कहने पर कहता, कितने गांव के लोग देते थे आपके परिवार की एका की मिसाल, सुनकर मन महसूस कर रह जाते थे घर के बुजुर्ग, घर परिवार में रोटी एक रहना सुख पूरित करता है हमारी मनुष्यता को, शामिल साथ का ही जीवन कितना पीड़ादायी है कि टूट बिखर रहे हैं हमारे मुश्तरका मन, और संयुक्त परिवार जोड़कर रखने में बड़े बुजुर्गों की फूल रही है सांस, बैठकी में खाने पीने के दबाव में मैं अपने नशेलची दोस्तों से यही कहता, मुझे रोटी का नशा है, उसी की कुश्ती है मुझे दोनों जून तलब, पेट में रोटी रहती है तो रात में मुझे आ जाती है गहरी नींद, रोटी एक फूल है बारहमासी, इस फूल को पाने के लिए कितने कांटों से जूझना होता है हमें दिन रात, रोटी खाते हुए आप पाएंगे कि उसमें उसके अन्न के दूधिया दाने की गुनगुनाहट है, रोटी खाते हुए आप पाएंगे कि उसमें उसके अन्न के दाने की दूधिया गुनगुनाहट है, जो बालियों के पकने से पहले मीठी आँच से पैदा होती है, नाचती रोटी में देख सकते हैं उसके फसल की धूम झूम, हवाओं के सारे गीत भी रोटी की यात्रा में रहते हैं साथ, धूप का कुनकुना और उजला छंद रोटी का महकता मन है, पाखियों ने खेतों में जो अपनी कविताएं गाई हैं, चली आई है रोटी में उसकी भी मीठी लय, अभिथा की भूख प्यास पर लगातार है बातचीत, कविता ने इसको अपने लिए बना रखा है अनिवार्य, अभिधा की भूख प्यास पर लगातार है बातचीत, कविता ने इसको अपने लिए बना रखा है अनिवार्य प्रश्न, रोटी की कविता में अपने को न पाकर बरस पड़े पीढ़ा बेलन, रोटी की इस कविता में अपने को न पाकर बरस पड़े पीढ़ा बेलन, तमतमा गया तवा और कंडा लकड़ी भी हो गए लाल, अपनी चूक का वास्ता देकर कैसे तो मनाया मैंने उन्हें, सहपाठियों ने पूछा कहानी ईदगाह के हामिद का चिमटा कहाँ है कविता में, उलट पलट कर जलने से जो बचा रहा है रोटी, इस भूल को भी स्वीकारते हुए मित्रों की सलाह से ही जोड़ी मैंने यह और पंक्तियाँ, रोटी खाते हुए बैलों के पसीने को, हलवाहे के हुनर को, खेतिहर के जज्बे को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो पचने में एक जन्म ले लेती है रोटी, रोटी के गुण देख पुरखुश रहती है बोली बानी, रोटी के गुण देख पुरखुश रहती है बोली बानी, कविता कहानी भी रोटी के सम्मान में भरी रहती हैं हर हमेश, रोटी पर बात करना संस्कृति समीक्षा है, जीवन की समीक्षा है, जिसमें पसीना और आस्वाद की जुगलबंदी का है विशेष महत्व, दाल चटनी भाजी रख परोसी जा चुकी है थाली, रोटी का इंतजार है फूली हुई गर्मा गर्म रोटी के आते से ही, देखिए न आप हमारी आंखों में फैल गया है कितना अंजोर, और भूख का जोर भी अब चल निकला है, सचमुच में हम सब के भीतर अब भूख का जोर चल निकला है। आप सब ने हमें सुना, और कविता जी, राकेश बिहारी जी, हमारे भोपाल के तमाम मित्र जिनके नाम उस समय मैं नहीं ले पाया, मैं उनसे सचमुच में क्षमा प्रार्थी हूँ, जिन लोगों ने हमारे मित्र मणिमोहन लगातार रहे हैं, मैं आशुतोष जी के प्रति, मणिमोहन के प्रति,
उत्पल बनर्जी के प्रति, विनय उपाध्याय के प्रति, अनिरुद्ध धूमट के प्रति, गी चतुर्वेदी के प्रति, मनोज झा के प्रति, फिरोज खान के प्रति, बीरू फोनकर के प्रति, इन अपने मित्रों के प्रति, इसलिए मैं इनका नाम उल्लेख कर रहा हूँ कि फोन पर, मोबाइल पर लगातार हम कविता पर बात करते रहते हैं, इसलिए इस अवसर पर मैं उन सब का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अर्पण जी का मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ कि उनने एक ऐसा वाक्य है कि भरी बारिश में वो भोपाल आए, और सचमुच में उन्हीं के प्रयासों से मैंने पहली बार मेरी कविताएं रिकॉर्ड हुई। मैं तो जानता भी नहीं था कि यूट्यूब पर कविताएं रखी जा सकती हैं, और उनने ही उन कविताओं को रिकॉर्ड किया था पहले और यूट्यूब पर उन्हें डाला, और जिससे मेरी भी उस तरह की जानकारी हुई। मैं प्रजापति जी के प्रति, दौलतराम प्रजापति जी के प्रति, मधुसूदन उपाध्याय जी के प्रति भी आभारी हूँ, अपने मित्र कलकत्ता के मित्र आनंद गुप्ता के जी के प्रति, विमलेश त्रिपाठी जी के प्रति, यतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, ममता पांडे जी के प्रति, सबके प्रति मैं, जिनके नाम यहाँ दिखे हैं, मैं आभार प्रकट करता हूँ। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी के प्रति भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, उनके प्रति जो भी स्क्रीन में जो मुझे दिखा है मैं वह कह सका, मेरे मित्र अनिल त्रिपाठी जी, आनंद जी, सबके प्रति बार बार आभार धन्यवाद। अर्पण जी को पुनः पुनः धन्यवाद। फिर इस तरह का कुछ योग बनेगा तो आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी इसमें बहुत सारी चूक है, और आपकी बड़प्पन और उदारता उसको बर्दाश्त करती रही है। मैं पुनः सबके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार मानता हूँ।